प्रणाम दोस्तों, टीम न्यूज़ आर की ओर से मैं अमित भाटिया और मेरी साथी इंडियन डीवा जी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि यदि आप धर्म की राह पर चलते हुए कोई असंभव सा लगने वाला कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं तो ईश्वर उसे पूर्ण करने के लिए स्वयं आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। महादेव की नगरी काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातनियों ने जब इतना भव्य मंदिर बना दिया कि जहां पहले 100 लोग मुश्किल से खड़े हो सकते थे, आज लाख से अधिक वहां पे अर्चना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो ऐसे में महादेव भी स्वयं निकल के आ गए कि इस बार कहीं कार्य अधूरा ना रह जाए। उसी को पूरा करने के लिए वो खुद आए। हालांकि अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ था। हमारा सौभाग्य है कि जिस महात्मा को महादेव ने ये कार्य संपन्न कराने के लिए एक माध्यम चुना, उनके साथ हमें ट्विटर स्पेस पर एक अनन्य साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसी इंटरेक्शन में से कुछ हाइलाइट्स को प्रस्तुत करने का हमारा ये छोटा सा प्रयास है यूट्यूब पर। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। नीचे कमेंट्स के माध्यम से अपनी फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही हमारे साथ देश विदेश के समाचार और विभिन्न विषयों पर डिस्कशंस के लिए हमारे साथ ट्विटर स्पेस पर हर रात 10 बजे जुड़ने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। विष्णु भाई, स्वागत है आपका। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर, साधुवाद हम सबकी तरफ से आपको, और हम सब आपके साथ हैं। इतने दिन से एक्चुअली मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाया था क्योंकि इतना ज्यादा इन्वॉल्व था काशी के केस में, एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। तो इसी वजह से मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट रहता है कि आप लोग की जो ट्विटर स्पेस ऑर्गेनाइज होती है उसको मैं देखूं। तो एक्चुअली अभी जो आज आपका टॉपिक है, तो मुझे ऐसा लगता है और जो मैंने अपनी नज़र से देखा है कि ये जो आज फ्राइडे के राइट्स हुए हैं, ये एक वेल प्लान्ड मैकेनिज्म में ये पूरे देश में इस तरह से दंगे किए गए हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो 25 दिन तक काशी के केस में जो हमने एक लीगल वॉरफेयर और लीगल नैरेटिव क्रिएट किया था, ये उसका आफ्टरमाथ है। नुपुर शर्मा जी ने जो बात कही, ये उस पर इतना ज़्यादा उसको एग्रीवेट करके उसका ये रिजल्ट लाना और उसको ऐसे बोलना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो 25 दिन से उनको किसी भी बात का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अगर आप 25 दिन से किसी भी टीवी चैनल पर देखेंगे तो जितनी बातें हम लोगों ने कही या मेरी लीगल टीम ने कही या हमने जो भी उनको पॉइंट्स दिए, किसी भी चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे काशी विश्वनाथ एक्ट हो, चाहे सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, चाहे शिवलिंग कैसे मिल गया, इन सारी चीजों का जो गुस्सा है, ये गुस्सा इस बहाने एक दूसरे वर्जन में निकाला जा रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात, ऐसी राइट्स जो हुई हैं इसमें बहुत हद तक, अब ये तो जांच का विषय है कि इसमें बहुत हद तक जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, भारी ताकतें हैं, उनका हाथ है, PFI का हाथ है, और ये हम राइट्स, ये जो पैटर्न है, ऐसी बात नहीं इंडिया में पहली बार देख रहे हैं, ऐसे बहुत बार ये पैटर्न हमने देखा हुआ है कि कोई एक बयान दिया जाता है और उसका इतना बड़ा रिपरकशन होता है कि एक जो मुस्लिम समाज के अंदर सुप्रीमेसी वाली भावना आ गई है, ये उस भावना से ग्रसित है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ किसी के देवी देवता का अपमान हुआ तो गलत है, और अगर आपके जो पैगंबर उनका अपमान हुआ वो गलत है, अगर ये आपका एक बेंचमार्क है, तो फिर जो ओवैसी साहब ने
हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बात कही, उनको तो आज तक कोई कन्विक्शन ही नहीं हुआ। ओपन वीडियो है, सारी चीजें हैं, और कोर्ट ने उल्टा उनको एक्विट कर दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसे ही कोई कोर्ट किसी और व्यक्ति को एक्विट कर देती, तब कितने बड़े रिपरकशंस होते उसके। तो सवाल ये है कि एक सुप्रीमेसी की भावना से ये समाज ग्रसित है, और उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वही सही है। तो इसीलिए मुझे, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो शिवलिंग का अपमान किया, चाहे वो शहदाब चौहान हो और अनगिनत स्पीकर्स हैं, अनगिनत जिन्होंने टीवी चैनल्स पे आके कहा कि, अभी मैं सुशांत सिन्हा जी का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि बाहर निकलिए पार्लियामेंट स्ट्रीट से, वहां से पार्लियामेंट से बाहर निकलिए, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलिए, शिवलिंग मिल जाएगा। तो इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू भावना का अपमान किया गया, तब तो कोई फतवे नहीं जारी हुए, तब तो सर तन से जुदा होने की कोई बात नहीं हुई। तो सवाल ये है, पॉइंट ये है कि सिर्फ ये ऐसा क्यों होता है कि जब आप दूसरे के धर्म के देवी देवता का अपमान करते हैं, तब ये सारी बातें क्यों नहीं उठती हैं? ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी कमी है, ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी कमी है कि जब हमारे धर्म पे कोई कुठाराघात करता है, हमारे धर्म का अपमान करता है, तब हम चुप बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, FIR लॉज हो। आज वहां पे अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था कश्मीर का, उसमें कहा उन्होंने कि सरकार तो नहीं कर पाएगी, हमें दे दो, हम इसका सर तन से जुदा कर देंगे। एक भीम आर्मी के कोई प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि इससे मैं मुजरा करवाऊंगा, कहीं आज पुतला जो है वो लटका के कर्नाटका में लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम और आप चुप हैं। उन्होंने, मैं बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हमारी देवी देवताओं का अपमान होता है, तो हम लोग क्यों चुप रहते हैं? हम लोग क्यों नहीं उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं? मैं इलीगल काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लीगल काम से ही कम से कम देश में इतनी सारी FIR हो जाए, इतने सारे उसमें एक्शंस लिए जाएं, सब लोग सामने आए उसमें, तो हम लोग चुप रहते हैं। पहले हमें तो आपस में इतना कंफ्यूजन है, लोगों को समझाने में ही कंफ्यूज रहते हैं हम कि ये भाई सेक्युलरिज्म का वायलेशन है, भाई ये क्या कहते हैं हमारे धर्म पे कुठाराघात है, एक कम्युनिस्ट गैंग सामने आ जाता है जो उनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देता है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोगों के अंदर है। मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहता हूँ कि हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग आपस में यूनाइटेड नहीं है, और हम लोग आपस में, हमारे अंदर कंफ्यूजन बहुत है। मैं यहाँ पे जितने लोग जुड़े उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इन जनरल, एक बड़े प्रस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई आप मुस्लिम व्यक्ति से पूछिए या क्रिश्चियन व्यक्ति से पूछिए कि आप क्या सेक्युलरिज्म को मानते हैं, तो वो कहेगा कि हाँ मानते हैं। तो आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप ये मानते हैं कि सारे धर्म एक बराबर हैं, वो कहेगा नहीं हम तो नहीं मानते, वो तो हम मानते हैं कि हमारा धर्म सुप्रीम है। पर आप वही एक हिंदू से पूछिए कि आप क्या मानते हैं सारे धर्म एक बराबर है, तो कहेगा हाँ सारे धर्म एक बराबर है। तो प्रॉब्लम यहीं पे है, ये जो सेक्युलरिज्म का चूरन और ये जो सेक्युलरिज्म का पार्ट पिछले 70 सालों से इस देश की सरकारों ने हिंदुओं को पढ़ाया है, उसकी वजह से हिंदू कमजोर हो गया है, वीक हो गया है। हिंदुओं का जो थिंक टैंक है वो एकदम कंफ्यूज हो चुका है। आप सेक्युलरिज्म से यही समझते हैं कि सारे धर्म एक बराबर है, हिंदू यही समझता है, मुस्लिम नहीं समझता है, क्रिश्चियन नहीं समझता है, ये सिर्फ हिंदू है जो समझता है कि सेक्युलरिज्म मतलब सारे धर्म एक बराबर है, जबकि सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं है। हर धर्म को और हर कौम को ये अधिकार है मानने का कि उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसका धर्म सर्वोपरि है, उसका जो दिखाया हुआ रास्ता है वही सबसे सच्चा रास्ता है। तो आप सेकुलर कैसे हो सकते हैं? सेकुलर हमेशा, मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूं, सेकुलर सरकार होती है कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में धर्मों के बीच में भेदभाव नहीं करेगी, लोग कभी सेकुलर नहीं होते। तो सबसे पहला कंफ्यूजन जो हिंदू समाज के लोगों में भरा गया है, चाहे आप NDTV में कभी चले जाएं, मैं तो इस बीच में काशी विश्वनाथ के केस में NDTV में डिबेट करने गया, तो सेक्युलरिज्म का ऐसा पार्ट उनके दिमाग में घुसा हुआ है, और जितनी कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल कवर फायर दी जाती है सेक्युलरिज्म के नाम पे, वो यही बात दी जाती है, नहीं 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 आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे भाई क्यों नहीं बोल सकते? अगर आज कोई मेरे मंदिर के अंदर घुस के नमाज पढ़ रहा है, मेरे शिवलिंग की बेइज्जती कर रहा है,
आप उसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको मैं रिक्लेम करने की बात जब करता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं ये तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, ये कैसा सेक्युलरिज्म है? मैं तो मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए सवाल ये है कि हम लोगों को एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा, एक एक कुछ ना कुछ तो बाय मीडिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आजकल देखने में सामने आ रहा है कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं जो वीक कर रहे हैं हिंदू समाज को, जो लोगों के अंदर जो उनका थॉट प्रोसेस है, उनके अंदर की जो भावनाएं उसको दबा रहे हैं। तो इसीलिए जो एक फ्री फ्लोइंग समाज है जहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हो, वो चीज हमारे अंदर कभी खत्म ना हो, लोग अपनी बात रख सकें, ये जो सेकुलरिज्म की एक बंदिश है इसको हटाया जाए, लोग खुल के बोल सकें, जहां जहां जो गलत हो रहा है उसकी आवाज उठा सकें, इस चीज की बहुत जरूरत है। और इसीलिए मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो जितने दंगे फसाद हो रहे हैं, ये सारे दंगे फसाद 1 मिनट में रुक सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है कि हम हमेशा सरकारों की तरफ देखते हैं कि सरकार एक्शन कब लेगी। सबसे बड़ी गलती ये है, हर चीज सरकार पे थोप देते हैं कि सरकार एक्शन कब लेगी, पुलिस कब कार्रवाई करेगी, जांच एजेंसियां कब कार्रवाई करेंगी। भाई ये बात मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं सोचते? आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, तब एक महानुभाव थे जिसमें जिनके ऊपर बड़ा तबलीगी जमात के जिनके ऊपर बड़ा थूकने का आरोप था, मौलाना साद, आज तक उनको कभी किसी ने गिरफ्तार नहीं किया और वो बात दबा दी गई वहीं की वहीं, ना किसी कोर्ट ने एक्शन लिया, ना किसी ने एक्शन लिया, हिंदू समाज के लोग भी उसको भूल गए। तो ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं, हम लोग भूलते इतनी जल्दी हैं, इतने जल्दी हम लोग भूलते हैं, चाहे हमारे जो गुरु हों जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनके बच्चों को दीवालों में चुना गया हो, चाहे मुगल काल में आक्रांताएं हुई हो, चाहे ब्रिटिश काल में आक्रांताएं हुई, चाहे के कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ हो, 36 चाकू मारे गए हो, चाहे कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ हो, तो हम लोग भूल के बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे में और उनमें। लीगल जी क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्ट ये बिकॉज आपको तो मिलते नहीं है आप, तो इसी कारण मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। जी सर विष्णु जी, जी एज पर द लॉ, अगर इफ आई डिफेंड माई फैमिली और डिफेंड माई पड़ोस जी या डिफेंड माई मोहल्ला, ओके, और उस डिफेंस में जी डिफेंस में भी डिफेंस करते करते अगर कोई हादसा हो जाता है या जो अटैकिंग क्राउड है उनमें से दो तीन आदमी हाथ पैर टूट जाता है या मर भी जाता है, विल दैट कंसिडर्ड एज अ मर्डर और विल दैट कंसिडर्ड एज अ इंटेंशनल अटैक ऑन देम? थैंक यू सर। देखिए, अगर आप प्राइवेट डिफेंस देखेंगे, जो आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस हैं, सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजंस बने हुए हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर कोई आपको हार्म कर रहा है, तो आप सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में आप रिटेलिएट कर सकते हैं। तो जो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, कि आप अगर सेल्फ डिफेंस में अटैक कर रहे हैं तो वो कभी भी मर्डर नहीं माना जाएगा, सेक्शन 96 टू 106 इसमें क्लियर है। अब आप नेबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो तो दैट इज टू फार फेस्ट, नेबर को खुद उठना पड़ेगा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। नहीं, तो रायटिंग रायटिंग क्राउड से, मतलब फॉर हाँ एग्जांपल एक राइटिंग, ऐसा रायट हो रहा है। हाँ राइटिंग क्राउड है, और अगर आपको एप्रिहेंशन है कि वो आपके घर को जला देगा, आपकी प्रॉपर्टी को जला देगा, आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली आप सेल्फ डिफेंस में आप रिटेलिएट कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए आप जितना रीजनेबल फोर्स है आप उसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए आर्म्स एक्ट में आर्म्स दिए जाते हैं, आर्म्स इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि आप उसको सजा के घर पे रखे रहें, आर्म्स इसलिए दिए जाते हैं कि आपके ऊपर अगर कभी अटैक हो तो आप रिटेलिएट कर सकते हैं। तो पॉइंट इन इश्यू इज दिस, कि जो मैं बात यहाँ पे कर रहा था कि हम लोगों को आपस में बहुत यूनाइट होना पड़ेगा, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना पड़ेगा, और जब भी हमारे देवी देवताओं के ऊपर ब्लैस्फेमी होती है, टारगेटेड हेट स्पीचेस की जाती हैं, तो उसके खिलाफ भी हमें एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने चीख चीख के, जब अकबरुद्दीन ओवैसी को रिलीज किया गया था, छोड़ा गया था, सारे नेशनल चैनल से कहा था, हैदराबाद में जो लोग थे उनसे भी कहा था कि आप मुझे मटेरियल दीजिए, मैं इसके खिलाफ अपील फाइल करूंगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर कोई आया ही नहीं अपील फाइल करने। अब 12 साल तक कर्नाटका में गवर्नमेंट चेंज हुई, सॉरी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में गवर्नमेंट चेंज हुई,
वहां पे कैसे कैसे क्रिमिनल ट्रायल को वीक किया गया, और जो ओपन एविडेंस थी वीडियोस की हिंदू देवी देवताओं को गाली देती हुई, वो सारी एविडेंस लगाई नहीं गई, उसका फोरेंसिक नहीं हुआ, और इस बिना पे उसको छोड़ दिया गया, और किसी ने आज तक अपील भी नहीं फाइल की, ना राज्य सरकार ने ना हिंदुओं ने। तो पॉइंट इन इशू ये है कि हमारे अंदर, मैं यही बात कह रहा हूं, अब हम हर समय सोचते हैं कि सरकार कुछ कर दे या संगठन कुछ कर दे, दिक्कत ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जितने लोग हैं, हम लोग आपस में, मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज की जरूरत है ना, सिर्फ जो विष्णु शंकर जैन का मुद्दा है, इशू ये है, हम लोग को आपस में बहुत यूनाइट होके एक कंसिडरेबल फोर्स बनानी होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और ये एग्जाम्पल ये दर्शाएगा आपको कि ये लोग कितने ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज और वेल नेटेड। जब आज वहां पे शिवलिंग निकला था काशी विश्वनाथ में, तो उसको फवारा बोला गया, फवारा बोला गया ठीक है, पर मुस्लिम समाज में इंटरनल रूप से वो डिमोरलाइज थे, उनको ये था कि हाँ ये बात जो है वो सही है और ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है। ये जो उनके अंदर जो डिस्कशंस होते हैं और जो मैसेजेस होते हैं, ये टॉप लीडरशिप से लेके लोअर तक सारे उनके जो एक समान है, वो चीजें एक समान होती हैं। आज मैं अपने एक, यहाँ घर के पास एक बार्बर है, उसके पास बाल कटाने गया था, आसिफ नाम है उसका। तो जब मैं उसे शेविंग करा रहा था, तो उसने कहा कि सर हमने तो आपको टीवी पे देखा और आप जो काम कर रहे हैं वो तो सही है, देखिए जो चीज गलत है तो गलत है, हमारी मस्जिदों में भी डिस्कशन हुआ उस पे, और वो लोग सब कह रहे थे कि हाँ जो बात है वो तो सही है भाई, वहां पे शिवलिंग मिला है, अब उसको तो हमें देखना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, मतलब ये एग्जाम्पल देने का पर्पज ये था कि इनके पास कॉन्ग्रेगेशन है, ये लोग जुटते हैं, ये लोग मिलते हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं, इनकी एक थीम बनती है, इनकी एक लाइन बनती है, और उस लाइन को, उस पैटर्न को सब फॉलो करते हैं। जब ये बात हुई थी सर्वे होने की 6 और 7 मई को, तब उस पैटर्न को फॉलो किया गया कि सर्वे ना हो और पूरी भारी मात्रा में वहां पे लोग जाएं। उस पैटर्न को भी कितनी आपने देखा ऑन ग्राउंड इन लोगों ने उतारा, फिर इस पैटर्न को भी आपने देखा कि शिवलिंग मिलने के बाद उसको कैसे डिनाई करना है, फवारा है, फवारा है, फवारा है, उस पैटर्न को भी सबने फॉलो किया, पूरा फॉलो किया। आज जो राइट्स हुए, आपको क्या लगता है ये आज एकदम से बस सब निकले जुम्मे की नमाज के बाद और राइट्स कर दिए इन्होंने, दंगे कर दिए? ये सारा एक पैटर्न है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले इन सबकी मीटिंग्स होती हैं और सब पूरा प्लान किया जाता है, और वो सारी चीजें ऑन ग्राउंड फिर उतर के आती हैं, और कोशिश यही है कि कैसे भी करके इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। और कितनी बड़ी विडंबना है, आप ये देखिए, हम आज बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेडिशन की, कितना सही है कितनी गलत है, हेट स्पीच कितनी सही है कितनी गलत है। मैं तो देख रहा हूँ आजकल एक नया पैटर्न डेवलप हो रहा है कि कानून धरा का धरा रह जा रहा है और जो मॉबोक्रेसी है वो प्रिवेल कर रही है। आज नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सही है गलत है वो तो कोर्ट एग्जामिन करेगी, पर यहाँ पे कोर्ट की एग्जामिनेशन का कोई वेट नहीं कर रहा है, यहाँ लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, और बात ये की जा रही है कि भाई हमें दो हम इससे मुजरा करवाएंगे, कोई कह रहा है हमें दो हम इसका सर कलम करेंगे, कोई कह रहा है हम इसका 1 करोड़ का इनाम लगाते हैं, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, किसी को जो 1-1 करोड़ रुपए के इनाम लगा रहे हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, फतवा जो जारी कर रहा है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और वहीं पे अगर उल्टी तरफ अगर कोई हिंदू आज फतवा जारी कर दे या एक इनाम घोषित कर दे तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो एक पैटर्न बना हुआ है, और सारी सारी कोर्ट्स उतर आएंगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नहीं ये गलत बोला, इसको अरेस्ट करिए, ये करिए, वो करिए। एक छोटा सा जंतर मंतर पे आंदोलन किया था, उसमें अश्वनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, पिंकी चौधरी, सबको अरेस्ट कर लिया गया, सबको अरेस्ट कर लिया गया, जो मतलब छोटे छोटे ऑफेंस थे, कोई कोई बात बोली भी नहीं गई थी उस पर भी अरेस्ट कर लिया गया। तो आप देखिए कि किस तरह का ये पैटर्न बना हुआ। कहना चाहता हूँ कि हम, और मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा, बाकी आप लोग को सुनूंगा कि किस तरह से हम लोगों का दमन किया जाता है और हम लोग एक यूनाइट नहीं है, इसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। विष्णु जी नमस्कार, सर धन्यवाद है नमस्कार, आपको जो आप इतना सब जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए, छोटे समाज को जगाने का प्रयत्न में लगे हैं दिन रात, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और भगवान आपको और संबल दे। नहीं नहीं सर, मेरे हम को एक छोटा सा यूके सर
मेरे को छोटा सा एक क्वेरी है आपके सम्मुख, कि जैसे आपने कहा कि हम क्यों नहीं इकट्ठे होते, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज होते लीगली, मतलब पीसफुली, और फिर आपने एक थोड़ा सा उदाहरण भी बता दिया कि एक एक हुए भी तो फिर क्या हुआ हमारी सरकार की तरफ से एक्शन। तो सर क्या ये, जैसे हम एक दूसरे समय पर भी हम बात करते हैं, शायद पिछली बार एक बार आए थे तो उस समय भी मैंने बात करी थी, ये जो हमारे फ्री हिंदू टेम्पल्स एंड ऑल, वो जो मुद्दा है कि हमारी एक जो हिंदू सनातन सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज नहीं है कहीं पर, तो कहीं ना कहीं वो अगर कुछ हमारा उस तरफ हम अगर खड़े हो पाए तो क्या वो हमें हमारे इस एटीट्यूड को थोड़ा सा बल मिलेगा इस चीज से, मेरा ये आपसे प्रश्न रहेगा। देखिए बिल्कुल, मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो एक वाय मीडिया निकालना पड़ेगा हम लोगों को आपस में यूनाइट होने के लिए। अब वो वाय मीडिया क्या हो, ये तो समय की पुकार जैसे होगी। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो नेसेसिटी तो इस समय है ही है, इस समय एक स्ट्रॉन्ग हिंदूवादी फोर्स की नेसेसिटी तो है ही है, क्योंकि आप अगर इसको एनालाइज करेंगे, मैं किसी संगठन की या सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो लोग पावर में हैं या जो लोग अलाइड पावर में, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, अलाइड पावर में है, चाहे वो बाकी संगठन हो, डायरेक्टली पावर में नहीं है, इनडायरेक्टली पावर में है, वो उतनी बातें नहीं रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वीएचपी ने कहा था कि भाई काशी और मथुरा हमारा मुद्दा नहीं है। संघ ने, अभी संघ प्रमुख ने स्टेटमेंट दिया कि राम मंदिर के आंदोलन के बाद हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, या मेरे मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े, इतने सम्मानीय लोगों को क्रिटिसाइज करूँ या उनके खिलाफ बोलूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस कॉल्स फॉर ऑल ऑफ अस टू यूनाइट, क्योंकि अब हमें एकजुट होके साथ आके आगे तो बढ़ना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, द शो मस्ट गो ऑन। तो जो रेवोल्यूशन है, जो आंदोलन है, जो बातें हैं लोगों के दिल में, वो तो आगे बढ़नी ही पड़ेंगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जो जो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, इनफैक्ट आपने मेरे से सवाल पूछा, मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। और जैसे मैं आज, मेरे पास सोल्यूशन नहीं, ऐसे बहुत सारे हिंदुओं पास सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जो हम लोगों की मदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हम लोग का मदर बोर्ड है, वो करप्ट हो चुका है, वो फेल हो रहा है, वो वीक हो रहा है। तो या तो उसको ठीक करने की जरूरत है, या तो नया मदरबोर्ड लाने की जरूरत है। अब ये कैसे होगा, कौन करेगा, कौन इतना बड़ा एक चेहरा बने जो इन सारे लोगों को अपने साथ ले और सब लोग उसकी लीडरशिप माने, ये एक दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अब ये तो सारी चीजें फ्यूचर के घर में है, पर हाँ, एज अ इंडिविजुअल और एज अ रेवोल्यूशनरी मैं ये फील करता हूँ कि कुछ ना कुछ बाय मीडिया तो निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई एक नई चीज तो जन्म लेनी पड़ेगी इस रेवोल्यूशन को आगे ले जाने के जी विष्णु जैन जी नमस्ते। आपने, आप जो हम सबके लिए कर रहे हैं वो, मैं आई नो इट साउंड्स वेरी रेपिटेटिव, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू। सर मेरे दो सवाल थे। एक तो मतलब ये जो हमारे हिस्ट्री बुक्स में जो मतलब लिखा होता है या औरंगजेब का कोई फतवा होता है, वो कोर्ट लॉ लॉ आई मीन कोर्ट में कितना वैलिड होता है। सेकंड मेरा ये सवाल था कि सर आप इतना बड़ा केस जो है वो ज्ञानवापी पे लड़ रहे हैं वो हमारे लिए, तो सर आपको भी नहीं आते। जैसे मैंने एक नॉर्मल थीसिस लिखी थी जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एंड आई वाज नॉट गिवन द एग्जामिनेशन फॉर्म, तो दैट वुड बी अ हिट माय करियर। लेकिन ये तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, तो आपको कोई ऐसे थ्रेट्स नहीं आते। देखिए दो चीजें होती हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग अभी यहाँ पे, मुझे ये आप लोग का बड़प्पन है और मैं सर झुका के साष्टांग दंडवत करके आप लोग को प्रणाम करता हूँ कि आप लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं अपने आप लोगों के लिए इतनी चीजें कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने कर्मयोग के लिए कर रहा हूँ, अपनी जो गीता में हमें सिखाया गया निष्काम कर्मयोग, और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर की रक्षा करने के लिए जो मेरी ड्यूटी है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ। आज अगर मैं और मेरे पिताजी काशी विश्वनाथ को मुक्त करा पाते हैं,
मथुरा को मुक्त करा पाते हैं, भोजशाला को मुक्त करा पाते हैं, टीले वाली मस्जिद को मुक्त करा पाते हैं, कुतुब मीनार के अंदर पूजा का स्टार्ट करा पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारी स्पिरिचुअल सक्सेस हुई है और उसमें सारे धर्म का, सारे कौम का, सबका फायदा होगा। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सोमनाथ मंदिर इतनी बार तोड़ा गया पर सोमनाथ मंदिर रेस्टोर भी हुआ क्योंकि हम सब लोग चाहते थे समाज में उस समय कोई ना कोई उठा होगा। तो मेरे को ये कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो मैंने और मेरे परिवार ने ये अलग जगाई है, ये अलग बुझे ना और इसको लोग आगे लेके जाएं। और वो मैं जब देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, जब हमने केस फाइल किया, इस समय हालत ये है कि काशी विश्वनाथ में हिंदुओं में होड़ लग गई है केस फाइल करने की और लोग कह रहे हैं हमने भी केस फाइल किया, हमने भी केस फाइल किया, खूब सारे संगठन आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं एक दिन बात कर रहा था एक लॉयर से, तो मतलब ऑन अ लाइटर साइड आप लोग से थोड़ा शेयर कर सकता हूँ, तो वो कहता है यार यार इतने सारे केसेस फाइल हो गए हैं, अब आप तो मतलब आपका केस कैसे होगा, ये तो आप पीछे हो जाओगे। मैंने कहा नहीं भाई, यही तो हमारी सक्सेस है, यही तो सक्सेस है कि हमने जो केस फाइल किया उसको इस लेवल पे लेके गए, लोग देख रहे हैं कि हाँ केस फाइल करना चाहिए, इतने सारे केस फाइल हो जाए कि अदालतें केसेस से भर जाए और फिर कभी ना कभी पार्लियामेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं ये जो हुआ है इतिहास में गलत हुआ, इसको हमें रेस्टोर करना है। और नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन धारिया जी, आपने पहली बात पूछी जो औरंगजेब का फतवा है वो कितना वैलिड है, इसको रेफर करना लीगल में, लीगली इसका कोई प्रोविजन है कि नहीं, तो इसके लिए ये जो आपने सवाल पूछा है, राम मंदिर के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ था और आप चाहें तो गूगल भी कर सकती हैं। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इन सारे हिस्टोरिकल बुक्स की लीगल वैल्यू होती और हिस्टोरिकल बुक्स को रेफर किया जा सकता है। इसलिए राम मंदिर के टाइम पे अगर आपको याद होगा तो बाबरनामा, कुरान, गीता, जितने ट्रेवलर्स अकाउंट हैं उन सबको रेफर किया गया था, सबको रिलाई किया गया था, जबकि वो एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे पर उन सबको रिलाई किया गया था, रेफर किया गया था। तो सेक्शन 57 इंडियन एविडेंस एक्ट इसका डायरेक्ट है कि जो भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं या जो भी ऐसी चीजें हैं जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसको आप रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही थ्रेट्स की, तो एक्चुअली मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि एक पैटर्न बन गया एक्चुअली और मैं इस पैटर्न के खिलाफ काम करना चाहता हूँ। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये, और मेरे फादर ने भी यही काम किया। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगा, जब 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरा था राम मंदिर का, तो उसी दिन मेरी दादी जी की उस दिन उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उसके ठीक 13 दिन बाद, 13वीं करने के बाद, मेरे फादर ने पिटिशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि भगवान राम के दर्शन करना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और दर्शन खोले जाए। 1 जनवरी 1993 को जस्टिस तिलहरी ने फैसला दिया कि भगवान राम के दर्शन करना सारे हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है और वहां से दर्शन चालू हुए और उसके बाद आज तक दर्शन वहां के अनवरत और भोग पूजा पाठ चालू है। जब उन्होंने ये फैसला दिया जस्टिस तिलहरी ने और जो 10 दिन मेरे फादर साहब ने बहस की, तब उस समय ना इतना टीवी होता था, ना मीडिया होता था, ना संचार क्रांति थी, वो ऑटो से जाते थे गोमती नगर से लेके लखनऊ हाईकोर्ट तक, सारे हाईकोर्ट में उस समय ना सिक्योरिटी होती थी ना कुछ होता था, सारे हाईकोर्ट में मुस्लिम ही मुस्लिम भरे रहते थे, उनके बीच में जाते थे, बहस करते थे और चले आते थे क्योंकि उनके अंदर का आत्मबल बहुत तेज था। अगर आपके अंदर का आत्मबल तेज है तो आपको, मुझे लगता है, उससे बड़ी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जब 2010 में राम मंदिर का फैसला आया तब एक आईबी की रिपोर्ट गई मेरे फादर साहब के लिए कि नहीं इनको रॉकेट लॉन्चर से इससे उससे मारने का पूरा प्रोविजन है, तब उस समय की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बुलाया, पूछा कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, फादर ने कहा जिसकी रक्षा भगवान राम कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। तो एक एक्चुअली मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक पैटर्न बन गया है कि केस करो और सिक्योरिटी लो, उसको केस करो सिक्योरिटी लो, क्या हो जाएगा? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को मरना होगा तो चाहे उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल जाए, चाहे उसको एक्स कैटेगरी की मिल जाए, चाहे उसको जॉली एलएलबी की तरह एक गनर मिल जाए, चाहे 4 गनर मिल जाए, तो उसको अगर जाना है तो उसको जाना है। तो मेरे मेरे हिसाब से आपके अंदर का आत्मबल स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर अपनी बात लीगली रख रहे हैं, स्ट्रांगली रख रहे हैं, तो चाहे जितने थ्रेट्स आए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और इस बीच तो मेरे पास काफी फोन आए कुवैत से, इस्लामिक वर्ल्ड से, मैं चाहता तो उसको टीवी मीडिया में हाईलाइट करता और बोलता कि नहीं हाँ
मुझे भी थ्रेट कॉल आया है, मेरा भी सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है और सिक्योरिटी लेता होता क्या सिक्योरिटी से। इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि एक ऐसा पैटर्न बने कि जो लोग इस लड़ाई में हैं उस लड़ाई को इतना पवित्र रखा जाए कि उस लड़ाई से कभी कोई मकसद ना ये जाने कि हम ये अचीव करना चाहते हैं। उस लड़ाई की पवित्रता के लिए इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली मुस्लिम समाज के लोग भी ये जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच्चाई से लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनको भी इस बात की रिस्पेक्ट है और वो भी अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हर समय हर चीज के लिए सिक्योरिटी लेना या थ्रेट कॉल से डर जाना मुझे लगता है वो उचित नहीं है। जो ईश्वर ने लिखा हुआ है, रचा हुआ है, वो होगा। एक बड़ा अच्छा वो प्रोवर्ब है ना कि काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। तो हम लोग तो महाकाल के भक्त हैं, तो ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं और हमारा जीवन ईश्वर को ही समर्पित है, इसलिए कोई भी डर नहीं लगता। जी, अभी अधिक और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं। एक मैं पूछना चाहता था इसी से कनेक्टेड आगे के, मतलब एक जैसे इकोसिस्टम है, क्योंकि डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि जो आइडियल समाज हो उसमें कोई भी किसी को भी सड़कों पे आना पड़े और इस तरह से हड़दंग करना पड़ेगा। हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं चाहते, और अगर हमें भी उस चीज पे उतरना पड़ता है तो इको सिस्टम कैसे बनाया जाए। जी यही इसी इसी पे आपका मतलब विचार क्या है, क्योंकि आइडियल सोसाइटी में ये तो हम नहीं चाहते कि सारे लोग सड़कों पे आए, राइट। वो भी हमें, क्योंकि ये हमारा घर है, हमने इसको संवार के रखना है, हमारा मुद्दा तो यही है, राइट। तो उस पे आपके मतलब ओवरऑल लार्जर विचार क्या है, एंड हाउ कैन वी गेट इनटू दैट और कंट्रीब्यूट टू दैट। अब सर मुझे सच में नहीं पता, ऑनेस्टली मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, इकोसिस्टम बनाया जाए, क्योंकि मैं तो पेशे से वकील हूँ और हमेशा लीगली इस चीज को एनालाइज किया है। लीगली जो एक अकेले काम कर सकते हैं कोर्ट में, जितनी आवाज रेज कर सकते हैं वही किया है। अब इकोसिस्टम कैसे बने, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे बने, मुझे सीरियसली नहीं पता इसका, मेरे पास भी जवाब नहीं। पर हाँ मैं इतना जानता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस चीज की नीड है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आना पड़ेगा जिसके बैनर तले हम लोग चल सकते हैं। बाकी इसका जवाब तो टाइम ही आगे फ्यूचर ही दे पाएगा। आई थिंक आई एम टू यंग टू आंसर दिस। अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं आई थिंक, और आप जी तो हम भी आपके साथ एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। आई थिंक दैट विल टेक अस टू समवेयर फॉर श्योर, अपना कर्म कर सकते हैं जी। You know, the presently what is happening, a lot of people are trying to attribute this particular case in a negative manner to the BJP government, saying that, you know, BJP is trying to create 2024 ke liye agenda, you know, trying to create a divide in the country. Whereas whatever I have read about the case, it was totally your initiative and the initiative of those five ladies. And that is how the whole case started. Don't you think that the government should actually distance itself from this case, saying that, you know, this is a social movement that is happening, there is nothing political about it, there is, it is absolutely either religious or social, and people have woken up to the history and trying to do these kind of things, which is an individual attribute or a social attribute. It talks about the society which is waking up. What do you think this? जी बिल्कुल। देखिए अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ही कहाँ। अगर आप बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट को उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये तो हमारा मुद्दा नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कहाँ सपोर्ट किया है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमने स्टार्ट किया था ये ऑनेस्टली और सीरियसली इन पांच लोगों का और हमारा मोमेंटम था। इसमें किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सिविल जज महोदय ने, उनके ऑर्डर पे कमीशन हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट गए, जब वो हार गए फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं रेड जोन के अंदर बैरिकेडिंग के अंदर जाके सर्वे होगा, तब जाके सर्वे हुआ। सरकार के पास तो पावर भी नहीं थी सर्वे कराने की। सर्वे कराने की अगर किसी के पास पावर थी तो वो कोर्ट की थी, कोर्ट ने वो सर्वे कराया। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल रहा ही नहीं।
वो क्लैरिफाई भी कर चुके हैं, और ये रोल है भी नहीं गवर्नमेंट का आगे। इसमें गवर्नमेंट का इतना रोल है कि वो चाहे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम लोग के लिए रिपील कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तब भी हमने उसकी ऑलरेडी कार्ट निकाल दी है, उसका लीगल इंटरप्रिटेशन निकाल दिया है, जिसपे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसपे हमारा कहना है कि धार्मिक स्वरूप क्या होगा वो तो एविडेंस में तय किया जाएगा। तो आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, ये 5 इंडिविजुअल्स की फाइट है, और भी लोग आ रहे हैं समाज के, और इसलिए हम ना गवर्नमेंट की तरफ ना संगठन की तरफ, हम तो अपना एक इंडिविजुअल लीगल केस लेके चल रहे हैं, हमें किसी से कोई इसमें मतलब ही नहीं, हम तो अपना कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे हैं। अब कोर्ट में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या, या लाखों करोड़ों लोग सपोर्ट करेंगे उसका कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अगर आपका केस स्ट्रांग है, मेरिट्स पे आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, तो वो रिसर्च जीतेगी, अगर आपकी रिसर्च नहीं स्ट्रांग है तो नहीं जीतेगी। ये तो पार्लियामेंट होती तो समझ में आता कितने लोग साथ में कितने लोग अगेंस्ट है, कोर्ट में तो सिर्फ जो आपकी फैक्चुअल बातें हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तर्क है, रिसर्च है, वही जीतती है, और वही जीती तभी हमारे सर्वे का ऑर्डर हुआ था, वही जीती तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वरूप तय होना जरूरी है। तो हम इसलिए अपनी बात कोर्ट में कहते हैं, अगर हमें कोर्ट में सरकार से सपोर्ट चाहिए होता तो हम कोर्ट जाते ही नहीं। जी विष्णु जी से मेरा एक, अभी जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरे को एक दिमाग में आया कि गवर्नमेंट ने ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था उस समय, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमारे गृह मंत्री थे, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हुआ था उसका पुनर्निर्माण। दूसरी चीज ये है कि विश्व हिंदू परिषद जो है अशोक सिंघल जी के बाद में जो है कुछ जो है उसमें निष्क्रियता आ गई शायद, क्या सोचते हैं आप? और तीसरा ये कि बीजेपी गवर्नमेंट में होने के कारण कहीं उसकी जो धार है वो कमजोर तो नहीं हो गई संगठन के रूप में? पहले संगठन हुआ करते थे, बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस भी सपोर्ट करती थी उस समय, लेकिन अभी जैसे आपने तो कह दिया कि मैं जो है इतने वरिष्ठ जन हैं वो उनकी मैं कोई बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि भागवत जी ने जैसे कश्मीर का इशू लिया था और उसके बाद में कश्मीर में जो है तुरंत आतंकवादी घटनाएं घटने लग गई हिंदुओं के खिलाफ, और उसके बाद अभी जैसे उन्होंने इस बारे में भी कहा कि हम जो है ये ज्ञानवापी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तो क्या मानसिकता, किस तरीके की विचारधारा आरएसएस में चल रही है? और कुछ इश्यूज पे नहीं बोलना भी कई बार अच्छा रहता है, जैसे वो कश्मीर के इश्यू पे नहीं बोलते तो शायद, मुझको याद आता है कि एक बार बिहार चुनाव में भी जो है उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया था और उसके तुरंत बाद परिणाम ये हुआ कि वहां बीजेपी को डिफीट मिली, तो कुछ मुद्दों पे नहीं बोले और सक्रिय रूप में ना बोले तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्या? ये क्वेश्चन थे तीन। सर नमस्कार जैन साहब, एक्चुअली सोमनाथ मंदिर आपने बिल्कुल सही कहा, गवर्नमेंट ने रेस्टोर किया था, पर अब उस समय की गवर्नमेंट और जो कालांतर में चीजें हुई, अब मुझे लगता है किसी गवर्नमेंट के पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो स्वतः किसी मंदिर को रेस्टोर कर दे और कहे कि यहाँ पे हम किसी और को डिस्पोजेस करते हैं। और सोमनाथ मंदिर का केस और बाकी जो मंदिर के केस और मस्जिद के केस है, थोड़ा उसमें डिफरेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कब्जे में हम आउट ऑफ पोजीशन है, राम मंदिर में जॉइंट पोजीशन में थे, अगर आप भोजशाला देखेंगे वहां पे जॉइंट पोजीशन में, टीले वाली मस्जिद में हम आउट ऑफ पोजीशन है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का इसमें सीधे ये कह देना, अगर गवर्नमेंट ऐसा कह दे तो ड्रीम थिंग है हम सबके लिए, और एक एक्ट लाके कह दे सारी चीजें डिक्लेयर की जाती है, हिंदुओं को दी जाती है, तो ड्रीम घटना है, पर ऐसा हो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए तो ये सारे केसेस फाइल किए गए। रही बात जो आपकी बाकी दो चीजों की है, तो मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी संगठन पे किसकी क्या फंक्शनिंग है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व हूँ कि मैं जो जिन्होंने इतनी अपना जीवन खपाया है मैं उनके बारे में कुछ बोलूं। पर हाँ, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि रेवोल्यूशन आगे बढ़ते रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, और कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा होना चाहिए जिसकी लीडरशिप में हम सब लोग कुछ काम कर पाए, कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। जी,
विष्णु भाई, आई थिंक और क्वेश्चन भी लेते हैं, बट इसमें ओवरऑल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी एक बार आप स्टेटस बता दें, जैसे अभी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी वाला जो मुद्दा है, तो उससे अभी आगे कितना समय और लग सकता है, या और साथ में मथुरा वाला जो चल रहा है, और इसमें एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि अगर जैसे इन सब में नेगोशिएशंस वगैरह भी होती होंगी बैक चैनल में, तो उसमें रिस्पांस किस तरह से रहता है दूसरी पार्टी की तरफ से? इज इट लाइक आई मीन वो क्या नेगोशिएशन भी चाहते, जैसे मतलब नेगोशिएशंस, अगर मुझे नहीं पता कि अगर ऑफलाइन कुछ नेगोशिएशंस वगैरह होते हो जिस तरह से मतलब कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने की बातें, तो उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि नहीं होते, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए दो बातें मैं बताना चाहता हूँ, दो चीजें, आपने एक सवाल नहीं पूछा उसको भी मैं थोड़ा, मुझे लगा कि आप पूछना चाहते थे आप नहीं पूछ पाए, उसको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक अभी इस बीच में एक घटना हुई और ये न्यूज फैलाई गई पूरे मीडिया में कि मुझे और मेरे फादर साहब को इस केस से हटा दिया गया, ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, मुझे पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, तो मैं उसको भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने नहीं सुना था, मैंने नहीं सुना। अच्छा, बड़ा मतलब पेपरों ने छापा कि मुझे और मेरे फादर को इस केस से हटा दिया गया, तो मैं वो बताना चाहता था कि ये फेक न्यूज है। पहली बात तो हम इस केस में हैं, मैं और मेरे फादर, पांच महिला याचिकाकर्ता है, उसमें से हम चार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उन चारों के वकील हैं, तो ना केस से हटने की कोई बात आती है ना ऐसी कोई बात आती, हम तो वहां पे वैसे ही डटे हुए हैं, हटे नहीं हम वैसे ही डटे हुए हैं, ये रही एक बात। दूसरी बात जो आपने पूछा कितना टाइम लगेगा, अब टाइम तो कोर्ट में कोई नहीं बता सकता है कितना टाइम लगेगा। अगर आप देखेंगे कि राम मंदिर का केस 1950 में फाइल किया था गोपाल सिंह विशारद ने, फाइनली जाके डिसाइड हुआ 2019 में, 69 ईयर्स लग गए। हाँ, पर यह है कि हम देर आए दुरुस्त आए, अगर हम नहीं फाइल करते आज तो शायद आज से 10 साल बाद 20 साल बाद हमारी पीढ़ियां भूल भी जाती लड़ना, कि शायद ये लड़ाई छोड़ो कौन लड़ने जाए, तो हमने उस चीज़ की न्यू डाल दी है। अब ये न्यू डाल दी है, अब इसको आगे लोग इसकी धरोहर इसको आगे इसमें इमारत बनाएंगे, पर हाँ अगर हम सब लोग यूनाइटेड रहे और अगर हम लोग के अंदर शक्ति रही तो हम डेफिनेटली गवर्नमेंट से मांग कर सकते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए इन सारे केसेस को, और इसका डे टू डे सुनवाई की जाए। राम मंदिर में जस्टिस रंजन गोगोई ने पहले कहा था, आपको याद होगा, कि दिस इज नॉट अ इम्पोर्टेंट केस फॉर मी, पर जब पब्लिक ओपिनियन बनी, जन समर्थन हुआ, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने उसको 40 दिन में सुना, रेगुलर डे टू डे सुन के उस पर अपना फैसला दिया। तो इसलिए काफी चीजें, पब्लिक ओपिनियन भी बहुत मैटर करती है जहां तक इस एस्पेक्ट का सवाल है कि केस कितनी जल्दी सुना जाए, तो पब्लिक ओपिनियन रहेगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेटली जुडिशरी भी सुनेगी उसको, जल्दी जल्दी सुनेगी, और सारा मैटर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। कुछ लॉ में कमियां हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है, अब वो गवर्नमेंट कब करती है, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इशू हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का इशू हो, तो ये सब थोड़ी थोड़ी कमियां हैं। और रही बात जो आपका लास्ट सवाल था कॉम्प्रोमाइज का, तो कॉम्प्रोमाइज की कभी कोई बात तो होती भी है तो हम उसको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कैसा, अगर कोई आज आपके घर में घुस आए और घुस के उस घर के आपके 6 कमरे ले ले, और फिर आप कहें कि मुझे जरा दे दो, तो आप कहोगे कि अच्छा 3 कमरे तुम ले लो, 3 कमरे तुम ले लो, तो सवाल तो ये है कि जो आप घर में घुसे थे मेरे, वो तो आपका घुसना हमने वैलिड कर दिया। इसलिए पहली बात तो ये सारी जमीन जो है ये हमारे आराध्य की है। काशी का अगर कोई इतिहास पढ़ेगा, यही मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू भूल जाता है बहुत जल्दी, काशी का कोई इतिहास पढ़ेगा तो ये भगवान शिव ने स्वयं 5 कोस का एरिया खुद बनाया था, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है 1997 4 SCC पेज 606 कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान शिव ने खुद बनाया था ये जगह, ये स्थान उनका है, तो जो स्थानीय भगवान का है उसमें मैं और आप कौन होते हैं कॉम्प्रोमाइज करने वाले, मैं और आप या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप या कोई गवर्नमेंट कौन होती कहने वाली कि इसका आधा हिस्सा आप ले लो आधा हिस्सा तुम ले लो, रेलिंग लगा दो, इधर आप नमाज पढ़ लो उधर पूजा कर लो, हम एक इंच पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एक इंच पे भी, वी वॉन्ट टोटल, पूरा हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, वहां से इनको टोटली बाहर खदेड़ना है,
चाहे वो आज हो, आज से 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, मैं रहूं ना रहूं, मेरे पिताजी रहे ना रहे, वी डोंट केयर. पर चाहिए तो पूरा चाहिए, कोई एक इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, राम मंदिर में भी जो जो एक हिंदुओं के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सबके अंदर एक बात थी कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जो अब 5 एकड़ दे दिया गया वो बहुत गलत हुआ, वो बहुत गलत हुआ है. क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे ये बात हुई थी कि ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, तो जो बाबर ने किया था आपने उसको तो उसका राइट मान लिया, और उस कॉम्प्रोमाइज की वजह से बहुत सारी फाइंडिंग हिंदुओं के फेवर में नहीं आई. जो मंदिर तोड़ने की फाइंडिंग थी, बहुत सारी चीजें थी, नहीं आ पाई. तो इसीलिए जब भी कॉम्प्रोमाइज की बात होती है रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है. जैसे ही कॉम्प्रोमाइज की बात होती है वहां पे आपका पूरा का पूरा केस डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसलिए हमारा तो एक प्रिंसिपल है कि जब हम केस फाइल करते हैं ना विड्रॉ करते हैं केस को, ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं. ये दो हमारे फिक्स नियम. right, मैं और मेरे पिताजी जीवित है, ना कोई कॉम्प्रोमाइज होगा ना कोई विड्रॉ होगा केस. क्योंकि वो तो ईश्वर जाने. जी, क्योंकि राम मंदिर का जब चल रहा था, आई थिंक फाइनल स्टेजेस में था, तो बीच में एक जैसे श्री श्री रविशंकर जी का मतलब काफी आया था कि वहां गए हैं, वहां पे उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें भी की हैं, बट आप उसमें शामिल नहीं थे. तो मतलब वो उसमें किस, अगर उसके बारे में कुछ कहना चाहें कि किस तरह की बातें कर रही थी. मैं शामिल था उसमें. ओके, मेरा उससे मतलब जी. और उसमें यही बात हुई थी कि राम मंदिर हम आपको दे देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग हमारे पे गैग ऑर्डर लगाया था, हम बोल नहीं पाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने गैग ऑर्डर लगाया था. और तब यही बात हुई थी, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे राम मंदिर में आपको दे देते हैं, पर इसके अलावा आप किसी मंदिर को क्लेम नहीं करेंगे, ना मथुरा ना काशी ना बाकी जितने मंदिर तोड़ेंगे, जिसमें हमने एग्री नहीं किया. और हम अकेले थे जिसने एग्री नहीं किया, ये भी मैं आपको बता दूं. और कॉम्प्रोमाइज तब तक नहीं हो सकता है जब तक सारी पार्टी ना रेडी हो. तो कॉम्प्रोमाइज करना, इन सारे केसेस में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ही गलत होता है, और वो आपके केस को, पूरे मोमेंटम को, पूरे रेवोल्यूशन को डाउन करता है. कॉम्प्रोमाइज किस बात का, मैं पूछना चाहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज किस बात का भाई? मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बाबर आया उसने हमारी मंदिर तोड़ी, औरंगजेब आया उसने हमारी मंदिर तोड़ी, आज हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई हम समझौता कर लेते हैं, आप आधे हिस्से चले हो आधे पे हम रह लेते हैं. किस बात का कॉम्प्रोमाइज? हमें पूरा चाहिए भैया, पूरा का पूरा चाहिए. आप उजर्पर हो जमीन के, आप इलीगल पोजेशन में हो जमीन के, इसको हम कोर्ट में साबित करेंगे. और जब भी कॉम्प्रोमाइज की बात होती है तो वो जुडिशियरी का माइंड भी वीकेंड करता है एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट देने के लिए, ये बात भी समझ ली. इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज के एकदम अगेंस्ट रहता हूँ. सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर बताना चाहेंगे, जहां पे ये वजू हो रहा था इसका पानी कहां से आ रहा था? आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ फाउंटेन एट ऑल, दैट आई नो, लेकिन इसका पानी कहां से आता था? Where from would they get the water for that pit, I would say. वहीं पे सर उन्होंने, ये जो वजू है जी. तो YouTube पे उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया है, जो मस्जिद के सामने एक वजू एरिया बनाया है, ये करीब 3 फीट गहरा है, और इसके पीछे एक टंकी लगा रखी है, जो वाटर पंप नहीं होता है उससे इसमें ये लोग पानी इन्फ्यूज करते थे वजू में बाहर से. अच्छा, इट्स अ वाटर पंप. इट्स अ जैसे एक हौदा नहीं होता है जी जी, जैसे वैसे बाहर से एक पंप लगा रखा है पीछे. जब वो पंप ऑन करते हैं तो जो नॉर्मल पानी आता है वो पानी उसमें भर जाता था पूरा, और फिर वो पंप बंद कर देते थे. और पीछे मतलब इनके टॉयलेट्स बने हुए थे जी. औरंगजेब का टाइम का, he was an electrical engineer also, अपने साथ से बात है. नहीं फाउंटेन, मैं यही बता रहा हूँ, जो फाउंटेन है जिसको ये फाउंटेन कह रहे हैं, जो हम शिवलिंग कह रहे हैं, वो तो इस वजू एरिया के बीचों बीच है. उसमें तो कहीं से पानी आ ही नहीं रहा है, उसमें तो कोई सप्लाई आने जाने का प्रोविजन ही नहीं है. जो आपने सवाल पूछा कि वजू में, हाँ आई एम टॉकिंग ऑफ वजू में पानी, यू आर राइट, यू आर राइट, माय क्वेश्चन है जी. वजू में तो पानी ये बाहर से एक पंप लगा रखा था जिससे पानी उसमें इन्फ्यूज करते थे. विष्णु सर गुड इवनिंग, प्रणाम. मैं मोहित हूँ पुणे से. एक्चुअली मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, और मैं आपको राम मंदिर का जो मुद्दा हुआ था, मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर. आई रियली एडमायर यू, आप जो कर रहे हो वो शायद ही कोई कर सकता है हिंदू समाज के लिए. तो सर मैं एक्चुअली, मेरा एक पहला तो कंसर्न ये है कि मैं जो ऑनगोइंग इंसिडेंट है मैं उस पर बात कर सकता हूँ क्या, जो अभी नुपुर शर्मा का विवाद हो रहा है उस पर?
जी जी आप ये तो आपको होस्ट परफेक्ट करिए मैं तो आई मीन आपका कोई प्रश्न है विष्णु भाई के लिए रिलेटेड एक मेरा ऑब्जर्वेशन है और दूसरा मेरा प्रश्न है तो मैं उनके उस पर टिप्पणी चाहूंगा जी 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 तो विष्णु सर मैं जैसा वो डिबेट देख रहा था टाइम्स नाउ का एक्चुअली जो मुद्दा है वो ज्ञानवापी पर ही चल रहा था राइट तो ज्ञानवापी का मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका था कि जितने भी ये जो हमारे देश में जो मौलाना वगैरह जो भी है इन लोगों को शायद ये बात पच नहीं रही थी और उसी बीच में नुपुर शर्मा जी ने जो है एक ऐसा वक्तव्य दे दिया आई डोंट नो वो सही है गलत है वो सब जांच का विषय है तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर कि ये अब मुद्दा इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि ज्ञानवापी का जो मुद्दा है उसको दबा सके क्योंकि ज्ञानवापी एक ऐसा अटल सत्य है ये तो हम सब ने देख लिया जैसा वीडियो बाहर आया सबको समझ में आ गया कि वहां सिर्फ महादेव है तो ज्ञानवापी के मुद्दे को दबाने के लिए इधर उधर की बातों से अब ये जो छोटी बात है इसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि ज्ञानवापी का मुद्दा इसमें दब ही जाए ये बात पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर नुपुर शर्मा जी को अरेस्ट किया जाता है और उनपे अगर ट्रायल चलाया जाता है जो उन्होंने वक्तव्य दिया है कोर्ट में तो ये कहां तक स्टैंड करेगा क्या इसके अंदर वो सारी बातें फिर बाहर आएगी जो उन्होंने कही है और उसको उनको प्रूव करना पड़ेगा तो इसमें किसकी भद होगी या मतलब मैं इस पे आपका आंसर जानना चाहूंगा कि ये कोर्ट में स्टैंड कर सकता है कि अब देखिए जो आपका पहला बात है कि ज्ञान व्यापी से डाइल्यूट करने के लिए ये इश्यू रेस किया गया है मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ऑर्गेनिक था उन्होंने एक बात बाबा वेश में आके कही अब वो अगेंस्ट द रिकॉर्ड है रिकॉर्ड के अंदर है हदीस में ऐसा लिखा है नहीं लिखा है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी मैं तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान व्यापी का इशू कभी भी डाइल्यूट नहीं हो सकता है जब भी ज्ञान व्यापी की हियरिंग होगी वो सारे इशू आपके सामने रहेंगे और वो मुद्दा डाइल्यूट हो ही नहीं सकता है ऐसा मुझे लगता है तो ये तो अभी इन द मीन टाइम ये सारी चीजें चल रही हैं पर अब नुपुर शर्मा जी का जब कोर्ट में केस चलेगा तब तो वो उस समय देखा जाएगा कि कितना सही बोला है गलत बोला है उनके जो लॉयर्स हैं वो उसको डिफेंड करेंगे अभी मेरा उस पर कुछ प्रिजम्पशन करना या कुछ बोलना उचित नहीं होगा पर हाँ मैंने भी ये ट्वीट किया है कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ और अगर उनको लीगल हेल्प की जरूरत होगी तो हम लीगल हेल्प देंगे और अभी तो मैं उस बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ हाँ नमस्कार जैन साहब नमस्कार आपको कोटि कोटि धन्यवाद मैं ये कह रहा था कि जैसे डीएनए टेस्ट हो जाता है जैसे हम तो एनडी तिवारी के केस में देखा था कि उनके एक कहीं से लड़का आया और उसने चैलेंज किया कि मैं इनका बेटा हूँ और डीएनए से प्रूव भी हुआ कि हाँ ये इनका बेटा है और उसको अधिकार भी मिले तो एक ये मेडिकल ग्राउंड के ऊपर साइंटिफिक वे के हिसाब से प्रूफ हो जाता है जिसकी डीएनए की पढ़ाई होती है उसका बाकायदा सर्टिफाइड होता है इसमें तो कोई शक नहीं है किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो मेडिकल से प्रूफ होता है और 100% प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये केस बनता है इसी तरह जब एएसआई की रिपोर्ट होती है वो भी साइंटिफिक प्रूफ है तो एएसआई की रिपोर्ट सर्वोत्तम क्यों नहीं मानी जाती जिससे ये ओपन एंड शट केस की तरह ट्रीट किया जाए और जल्दी से जल्दी फैसला आने में इतनी देर क्यों लगती है ये मेरा सवाल था आपसे देखिए एएसआई की जो रिपोर्ट है वो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाती है अब वो जब एक्सपर्ट ओपिनियन आती है तो अगर आप राम मंदिर में देखेंगे तो राम मंदिर के केस में टू बी वेरी लीगल मैं सिर्फ एकदम लीगल बात कर रहा हूँ भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ राम मंदिर केस में एएसआई ने फाइंडिंग दे दी कि यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई तो यही बात उठी कि आपके सामने तो ये विषय ही नहीं था कि मंदिर तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया आपको तो सिर्फ इतना बताना था कि नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं कि नहीं तो कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट आती है कोर्ट उसको एकदम ही गॉस्पल ट्रुथ मान के अगर उस पर फैसला दे दे तो ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट होगा आज हमें सूट कर रहा है कल हो सकता है हमें ना सूट करे तो इसलिए जब आप लीगल प्रपोजिशन की बात करते हैं तो लीगल प्रपोजिशन तो यही है कि जो भी रिपोर्ट आएगी
एक्सपर्ट ओपिनियंस की उसको कोर्ट एग्जामिन करेगा, कोर्ट देखेगा, उसको उसकी परसुएसिव वैल्यू रहेगी और उसके बाद ही कोर्ट उस पर एक फाइनल निर्णय लेता है। पर हाँ, ये बात मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि ज्ञान व्यापी के केस में एएसआई सर्वे होना चाहिए। एएसआई सर्वे को ऑर्डर भी कराया जा चुका है, उसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष इस समय हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है उस ऑर्डर को। तो जब भी एएसआई का सर्वे होगा इस केस में तो और सच आएगा और बड़ी बड़ी चीजें सामने निकल के आएंगी। जी अच्छा, इसमें ये जो वजू खाना है जो उसमें मैंने देखा है ग्राफिक्स में, वो तो बाहर है, मतलब जो मेन बिल्डिंग है या जो टोम्ब का जिसके ऊपर टोम्ब बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, मतलब वहां भी आप गए थे और उसके अंदर क्या है, अगर उसके बारे में कुछ बता पाए तो, जो कवर्ड स्ट्रक्चर है जिसको कह सकते हैं। जी, जो कवर्ड स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहली बात जो उसके आपको तीन डोम दिख रहे हैं, उस डोम के नीचे भी एक डोम है। उन सारी चीजों का वीडियो इस समय ऑनलाइन है, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे लिखेंगे आज तक ज्ञान व्यापी, आज तक प्लस ज्ञान व्यापी, तो आपको वो एक डेढ़ घंटे का और काफी कई कई चैनल्स ने तो 15 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग डाल रखी है, तो आप वो पूरा देख सकते हैं। तो उस डोम के नीचे जो डोम है वो विजिबल है, वो हिंदू मंदिर का शिखर था जिसको काट के उसके ऊपर ये डोम रख दिया गया है। अब जो आपका सवाल है कि मस्जिद के नीचे क्या था जो तीन डोम है, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। मस्जिद के अंदर एक कैलेंडर लगा हुआ था, ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये मस्जिद के अंदर कैलेंडर, जब उस कैलेंडर को मैंने उठाया तो उसके नीचे स्वास्तिक बना हुआ था, त्रिशूल बने हुए हैं मस्जिद के अंदर, डमरू बना हुआ है और पूरी मस्जिद में कम से कम 25 से 30 आले होंगे। आले मतलब जो देवी देवताओं को रखने के स्थान होते हैं हिंदू मंदिर में, जहाँ पे हमारे सब श्राइन्स रखे जाते हैं, वो जगह थी जिसको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि यहाँ मूर्तियां थी, इनको हटा दिया गया है और उसको भारी मात्रा में व्हाइट कलर और येलो कलर के जो ऑयल पेंट होता है उससे पेंट कर दिया गया है कि जो मंदिर का रेड स्टोन का स्ट्रक्चर था उसको छुपाया जा सके, रेड स्टोन की जो मंदिर के कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको छुपाया जा सके। तो स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है कि जो वेस्टर्न वॉल में कलाकृति दिख रही है हम लोगों को बाहर, वही कलाकृति मस्जिद के अंदर भी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क करिएगा। जो वेस्टर्न वॉल पे जो आपको टीवी मीडिया में दिखाया जाता है वेस्टर्न वॉल, वही कलाकृति मस्जिद के अंदर भी है। उसी तरह से वहां पे हाथी के सूंड, गणेश जी की फोटोज, वो सबको दिखा, मतलब स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है उसको तोड़ा जा चुका है। वो जो उसके ब्रैकेट्स होते हैं मंदिर में एक पिलर को दूसरे पिलर से मिलाने के लिए, वो सारे ब्रैकेट्स, वो सारी चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से क्लियर समझ में आ रही है जिसको डेसिक्रेट किया गया, तोड़ा गया है। तो ये किसी भी तरह से कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर तो है नहीं और इसीलिए उसका कमीशन किया गया, वीडियोग्राफी की गई है, सारी रिपोर्ट आप लोग के सामने, आप उसको देख सकते हैं। विष्णु भाई, एक चीज कही जाती है कि जैसे मतलब किसी भी मैं साउथ में भी काफी ट्रेवल किया है और सन टेम्पल वगैरह है और इस तरह के जो मंदिर है, तो हम्पी में बहुत सारे इस तरह के मंदिर है जिनको जिसमें के मूर्तियों को तोड़ा गया या खंडित किया गया, तो कहते हैं कि खंडित मूर्ति हो गई एक बार उसको फिर दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अभी शिवलिंग के साथ हुआ, तो उस पे थोड़ा सा अगर आप बता पाए कि उस ये मतलब सच में उसके बारे में बता पाए कि खंडित मूर्ति को इंस्टॉल दोबारा से लगाने के बारे में। देखिए, प्रोसीजरल खंडित मूर्ति आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पर जो यहाँ पे शिवलिंग है जिसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है वो पूरा खंडित नहीं हुआ है। तो इसका भी इतिहास है, इसके ऊपर भी परंपरा है कि खंडित शिवलिंग की भी पूजा होती है। शिवलिंग एक ऐसा एकमात्र एक ऐसी हम लोग की पूजा की मतलब देवता है जहाँ पे खंडित शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। अगर आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ, एक हिमाचल में एक जगह है बिजली महादेव, मुझे पता नहीं आप लोग ने सुना होगा कि नहीं, बिजली महादेव वहां पे क्या होता है? जी, बिजली महादेव में क्या होता है, हर साल वहां पे शिवलिंग बनाया जाता है मक्खन से और वहां पे साल में एक बार बिजली गिरती है और वो शिवलिंग खंडित हो जाता है और उसके बाद उसकी पूजा पाठ करके उसको दोबारा बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे खंडित शिवलिंग है उसकी भी पूजा की जाती है।
और यहाँ पे खंडित पूरा मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी शिवलिंग हमारा खंडित नहीं हुआ, उसमें कोई क्रैक नहीं है, ऊपर से एक सुराख किया गया है 63 सेंटीमीटर का, बहुत पतली सी डंडी जो है वो उसमें नीचे जा रही है, और शिवलिंग वैसे ही इंटैक्ट है, और ऊपर जो आप सीमेंट नुमा आकार देख रहे हो उसको हटाया जाएगा, तो उसको आराम से हम वो खंडित नहीं है शिवलिंग, उसकी हम पूजा कर सकते हैं, और वो शिवलिंग और नीचे तक गया हुआ है, और नीचे तक गया है, जब ये वजू खाने का पूरा ये जो इन्होंने वजू खाना जिसको बनाया है उसकी जब पीछे की दीवार टूटेगी जो मस्जिद के ईस्टर्न साइड पे है और नंदी के ठीक सामने है, जब वो सारी दीवारें हटेंगी तो हम सबको ये दिखेगा कि शिवलिंग और नीचे तक गया हुआ है जी। और अभी कितना हाइट होगा इसका शिवलिंग का टोटल? जो अभी शिवलिंग हमें मिला है वो 2.5 फीट का है, 2.5 फीट का है, और इसमें जो इन लोगों ने छेद किया है वो करीब 63 सेंटीमीटर को, तो आप राउंड अबाउट मान के चलिए 2 फीट के करीब इन्होंने उसमें छेद किया है। तो अभी वो जो जुडिशियल कमिटी है उसके पोजीशन में है, शिवलिंग का एरिया, शिवलिंग का एरिया तो जिस दिन शिवलिंग हमें मुझे मिला था मैंने उसी दिन उसको सील करा दिया था। इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जब कमीशन की तीसरे दिन की कार्रवाई हुई थी 14, 15, 16 मई को कमीशन होना था, तो जब 16 मई को ये तो मुझे शिवलिंग दिख गया था, 15 मई को ही मुझे शिवलिंग दिख गया था वजू खाने के अंदर। पहले तो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमने कहा कि ये वजू, जब हमने पूरा कमीशन कर लिया मस्जिद के अंदर गुम्बद वेस्टर्न वॉल बेसमेंट तहखाने सब कमीशन कर लिया, तो वजू के पास जब मैं आया तो मुझे वजू के बीचों बीच ये एक दीवार दिखी जो कुएं जैसी दीवार है, तो मैंने और इसमें इन लोगों ने बहुत ज्यादा पानी भर रखा था, चालाकी ये थी कि कैसे भी करके कमीशन जो है वो यहाँ से चला जाए, उनकी नजर इस पे ना पड़े, पर महादेव की कृपा थी, मेरे पास भी अपने इनपुट्स थे जो मुझे ये जानकारी थी कि हाँ वहां पे है चीजें, इसलिए तो हमने कमीशन किया था। कमीशन इसलिए थोड़ी ना किया था कि हम वहां पे जाए और खाली हाथ चले आए, कमीशन इसलिए किया गया था कि हमें पता था कि वहां पे चीजें हैं। तो जब ये वजू का हमने देखा तो मैंने कहा कि इसको पानी को कम करिए, तो उन्होंने कहा नहीं पानी नहीं कम होगा, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मछलियां मर जाएंगी, और ये जमजम का पानी है, ये है वो है, कोई इसमें अंदर नहीं घुस सकता है। तो हमने कहा ठीक है आप 1 फीट पानी कम कर दीजिए और हम सीढ़ी लगा के जाके देखेंगे। तो शिवलिंग तो मुझे 15 मई को ही दिख गया था, जिसको सफाई कर्मचारी ने छू के कहा नहीं ये फुवारा है ये है वो है, तो हमने इसलिए मैंने एडवोकेट कमीशन महोदय से कहा कि आप अगले दिन भी करिए कमीशन, आपके पास एक अतिरिक्त दिन है, आप 2 घंटे का कमीशन और करिए और 2 घंटे में हम सारी चीजें निकाल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुस्लिम पक्ष पहले इसके लिए राजी नहीं हुआ कमीशन करने के लिए तीसरे दिन, फिर उसके बाद जब वो राजी हुए तो कमीशन किया गया, पानी कम किया गया, ऑक्सीजन मंगाई गई कि उनकी मछलियां ना मरे, पूरा ऑक्सीजन उसमें डाला गया, पानी 2 फीट तक कम किया गया, और फिर जब शिवलिंग हमको मिला तो फिर उसकी सफाई की गई, और आज आप सबके सामने जो मिला है वो सच है आपके साथ सबके सामने। अब ये तो आगे कोर्ट देखेगी इसमें आगे कैसे वहाँ पे पूजा पाठ शुरू होनी है, कैसे पोजीशन देना है हमको। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप इतिहास की किताबें देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देखेंगे, काशी का इतिहास भी देखेंगे, तो वहां पे 2 शिवलिंग, एक नंदीश्वर और एक आदि विशेश्वर। तो अभी तो वहां पे एक शिवलिंग और मिलना बाकी है, जब ASI की जांच होगी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार यूज किया जाएगा, तो वहां पे एक शिवलिंग और मिलेगा। इस शिवलिंग को ऐसा लगता है इतिहास पढ़ने से, एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, पर इतिहास पढ़ने से ऐसा लगता है कि राजा टोडरमल ने अकबर के टाइम पे जब वहां पे रेनोवेशन किया था तो इस शिवलिंग को उन्होंने 1585 में बनाया था, फिर जिसपे मुस्लिम्स ने कब्जा लेके वहां पे उसको वजू खाने में कन्वर्ट कर दिया, और फिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने ये आज सांकेतिक शिवलिंग की स्थापना की, और तब से नंदी उस जगह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जिस दिन ये शिवलिंग मिला था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, 370 साल बाद जैसे ही मुझे शिवलिंग मिला तो फिर मैं और मेरे फादर साहब कोर्ट भागे, कोर्ट में हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है, कोर्ट ने हमारी बात को एक्सेप्ट करते हुए उस एरिया को सील किया, मुस्लिम्स उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील, जो सील का ऑर्डर था उसको बरकरार रखा, और आज की पोजिशन ये है कि वहाँ पे भारी मात्रा में CRPF और स्टेट पुलिस लगी हुई है,
वहां पे वजू बंद हो चुका है, हमारे महादेव का अपमान बंद हो चुका है और वो एरिया वैसे का वैसे ही सील्ड है। अब प्रतीक्षा है महादेव की पूजा कब हो, और अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी अपने ईश्वर के अपने आराध्य की पूजा हम लोग साथ में करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू अमित भाई, और आज तो बिल्कुल साक्षात विष्णु जी आ गए, बड़ा शानदार। मैं तो सुन ही रहा था, हाथ बढ़े ऊपर था, लेकिन हाँ मैं सुन रहा था। मेरे फ्यू क्वेश्चंस हैं विष्णु जैन जी से कि सर दो तीन चीजें बड़ी ही आज भी पिंचिंग है। ठीक है, हमारा लॉ अब हमें सपोर्ट नहीं करता, कानून की किताबें बहुत पहले से लिखी हुई हैं, आईपीसी के बाद ऑब्लिक सीआरपीसी करके, लेकिन वही अंग्रेजों का कानून चल रहा है जो उनको डिफेंड करता है, जो हमारे ओपोनेंट है जिन्होंने आज ये बवाल शवाल जो भी किया। मेरे बड़े सिंपल सा एक क्वेश्चन है, हमारे मंदिर को तो खैर सरकारों ने ओवरटेक कर रखा है, बट क्या हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जा सकते हैं? बिकॉज प्रॉब्लम इज दिस कि एक तरफ तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि ये गरीब है, ये काम वही चूज करते हैं जिसमें इन्हें कन्वीनियंट हो, पांच टाइम की नमाज, मदरसा एंड ऑल दैट, सारे कॉन्स्पिरेसी वाले अड्डे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वही रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हमें झेलना पड़ता है, हम तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम तो आज बाध्य हो गए साहब, या तो हम सड़कों पर उतरे, अभी इतने कमजोर हाथ भी नहीं हुए हम लोगों के, अगर 35 करोड़ ये हैं तो अगर दौड़ भी गए तो भी रौंद जाएंगे, लेकिन वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि फौज के रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीनें इनके पास हैं, तो ये गरीब किस बात के? और वक्फ बोर्ड पे कोई ये कानून क्यों नहीं आता कि ठीक है साहब आप बताइए तो कौन कौन सी जमीनें आपने मंदिरों पे कब्जे कर लिए, जो आपके मतलब जिन्होंने आपको कन्वर्ट किया फोर्सफुली उनके नाम पे। अब तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई बची है, मैं तो किताबों में भी इनकी नहीं जाता कि चलिए रिलीजियस बुक हैं, हमारी ऐसी है तुम्हारी वैसी है, मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन अब तो ये बिल्कुल जमीनी लड़ाई बन गई है कि इनक्रोचमेंट पॉलिसी। हम हाईवे पे भी अपना कुछ बना देंगे, हम रोड साइड पे भी बना देंगे, हम जिस बस्ती के आसपास रह रहे हैं वहां पे धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट ये अभी समझ में नहीं आ रहा, बट यही इनका प्रोसेस है। वो फकीर आज भी देखिए वहाबिज्म इनका पूरे सर पे जोरों पे है, लेकिन गली मोहल्लों में वही एक सर पे साफा बांध के सूफिज्म का कल्चर घुमाया जाता है, और धीरे 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 हम लोग इंक्रोच्ड हो रहे हैं। उसके अगेंस्ट में क्या है वहाबी कल्चर के अगेंस्ट में और ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ? सर प्लीज इस पे थोड़ा सा बोलिए। देखिए जहां तक बात है वक्फ बोर्ड और सच्चर कमेटी की, तो पहले सच्चर कमेटी को डील कर लेता हूँ फिर वक्फ बोर्ड पे आऊंगा। हमें तो यही जानकारी थी इतने दिनों से, हमने RTI भी डाला था और रिट पिटिशंस भी फाइल की थी बॉम्बे हाईकोर्ट में हर जगह, तो हमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि सच्चर कमेटी लागू नहीं की गई है, सरकार ने लागू नहीं की है। ये सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था 2005 के बाद जब से सच्चर कमेटी आई थी कि सच्चर कमेटी लागू नहीं की जा रही। हुआ कुछ ऐसा कि जो केंद्र सरकार इस समय 5,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को दे रही है, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और हमने कहा कि ये माइनॉरिटी के नाम पे ये जो स्पेशल 5,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 27 का वायलेशन है और ये संविधान में कहीं भी इसकी भावना नहीं है कि आप माइनॉरिटी के लिए स्पेशली अलग से कोई योजना चलाएं। और जब हमारे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो उनका भी यही स्टेटमेंट था कि अगर रोड बन रही है तो वो सबके लिए बन रही है, उसमें अलग से माइनॉरिटी के लिए रोड थोड़ी ना बनेगी, या कोई भी स्कीम चल रही तो वो सबके लिए चलेंगी, किसी धर्म विशेष के लिए अलग से स्कीम नहीं चल सकती है। तो माइनॉरिटी में जैसे UPSC में अगर कोई मुस्लिम यूथ है उसको कोचिंग दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वक्फ को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है,
तो इस तरह से माइनॉरिटीज में स्कीम चलाई जा रही थी। तो हमने बात रखी कि 5,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये असंवैधानिक है। और ये स्कीम जो है ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने चलाई या मोदी सरकार ने चलाई, ये पहले से कांग्रेस की गवर्नमेंट से चली आ रही थी। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। अगर कोई आदमी वॉशरूम में है तो अपने माइक को म्यूट कर ले, और फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। इसके बाद जब इसको हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने उसमें अपना जवाब दिया। जवाब में केंद्र सरकार ने बात कही कि सच्चर कमेटी जो है उसके आधार पे हमने ये 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो हम सब तो काफी शॉक्ड हो गए, शॉक्ड इन द सेंस हो गए, क्योंकि आज तक तो हमें यही पता था कि सच्चर कमेटी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही। पहली बार ऐसा पता चला कि सच्चर कमेटी लागू की गई है। मैं गवर्नमेंट को या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनके जो ऑफिसर्स हो उन्होंने ऐसा एफिडेविट दिया हो, ये तो दैट डिपेंड्स अपॉन देम, आई डोंट नो। बट एनीवेज उन्होंने ये एफिडेविट दिया, तब हमने सच्चर कमेटी को चैलेंज किया, और सच्चर कमेटी को चैलेंज किया है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उसको चैलेंज करने का अधिकार ही है, आधार ये है कि उस समय की जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी उसने जब सच्चर कमेटी बनाई थी तो पहली बार कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह का अकेले साइन है उस कमेटी को अपॉइंट करने में, जो कि असंवैधानिक है। अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है कमेटी अपॉइंट करने का तो कैबिनेट लेती है। दूसरी बात, आप किसी माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल 340 के वायलेशन में जाके अलग से कमेटी बना ही नहीं सकते। यू कैन नॉट फ्रेम अ स्पेशल कमेटी फॉर माइनॉरिटी। तो ऐसे 3-4 आधार हैं जिसके आधार पे सच्चर कमेटी को हमने चुनौती दी है, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जो आपने दूसरा सवाल पूछा वफ एक्ट का, उसका भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। वफ एक्ट पे पहले भी हमने इस स्पेस पे काफी बार बात की है। बिल्कुल सही आपकी बात है कि डिफेंस और रेलवे के बाद इस समय तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जमीन वफ की है। दिल्ली हाईकोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी ने उस पर पिटीशन लगा रखी है, उस पर नोटिस जारी हो चुका है। हम भी उसमें और कॉम्प्रिहेंसिव लिटिगेशन करने वाले हैं, और हमारा कहना यही है कि वफ एक्ट का जो सेक्शन 5-6 है, सेक्शन 40 है, सेक्शन 101 है, सेक्शन 108 है, ये सेक्शन 52-53 है, ये सारी चीजें असंवैधानिक है। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि वफ एक्ट में इस तरह के प्रावधान हैं कि जो वफ के मुतवल्ली हैं, जो वफ डीड में उसके ओनर्स हैं, जिसका वफ डीड में नाम लिखा हुआ है, वो सब पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। मतलब कोई महंत, पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आएगा, पर जो वफ डीड में जो मुतवल्ली है, उनके ऑफिस बेयरर्स हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आएंगे। सेक्शन 101 वफ एक्ट, इसके साथ सेक्शन 40 वफ एक्ट, जो ये कहता है कि जब वफ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित करेगा तो सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में कर सकता है, और वो उस व्यक्ति को भी कम्युनिकेट नहीं करेगा कि उसकी संपत्ति वफ संपत्ति घोषित की जाती है। वो कम्युनिकेट करेगा उस सोसाइटी को या उस जगह जहां पे उसको रजिस्टर किया गया। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक मेरी सोसाइटी है और मेरी संपत्ति अगर वफ बोर्ड वफ संपत्ति घोषित करता है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को कम्युनिकेट करेगा कि मैंने विष्णु शंकर जैन की संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित कर दिया। और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास इतनी सारी एप्लीकेशन पड़ी रहती है कि वो ऐसी साइड में पड़ी रहेगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरी संपत्ति वफ संपत्ति घोषित हो चुकी होगी। तो इस तरह के ड्रैकोनियन प्रोविजन है। सेक्शन 52-53 में अगर कोई वफ की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करता है तो वो खुद ऑर्डर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि उसको वैकेट कराया जाए। अगर आज कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट करेगा तो हमें सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा और लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सेक्शन 108 में उनको लिमिटेशन से एग्जेम्पशन दिया गया है कि वो कभी भी कोर्ट आ सकते हैं, अपना केस लड़ सकते हैं। हमसे तो सवाल पूछा जाएगा कि आप 70 साल बाद क्यों आए, 500 साल बाद क्यों आए, 200 साल बाद क्यों आए। तो वफ बोर्ड तो असंवैधानिक है ही, और वफ बोर्ड लैंड जिहाद का एक कांग्रेस की सरकार ने 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लैंड जिहाद के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया है वफ बोर्ड के माध्यम से, कि लैंड जिहाद जो है अगर उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देना है, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क देना है, तो वो काम वफ बोर्ड और वफ एक्ट 1995 के माध्यम से किया जा रहा है। इस पर मैंने बहुत
अध्ययन किया है, काम किया है, बहुत वीडियोस हैं, बहुत पिटिशंस हैं, काफी रिसर्च है। अब जब इसको सरकार या कोर्ट सुनेगी तो वो मामला भी आप लोग के सामने आएगा, पर हाँ हमने इसमें काफी हद तक इसमें एफर्ट्स लिए। संदीप भाई आपने बात की, मैं विष्णु जी से बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाह रहा था। विष्णु जी आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं करते रहिए, हमारा जो भी सहयोग हम कर सकते हैं किसी भी तरीके से तो कृपया हमें बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ जुड़ के और आपका सहयोग करके। दूसरी बात विष्णु जी, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, तो मुझे ये पता नहीं ये सवाल पूछा गया है नहीं पूछा गया है, बट एक जो मेरा मेरा फियर स्लैश जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं डेफिनेटली हम जीतेंगे, चाहे एटलीस्ट ज्ञानवापी के केस में और मथुरा के केस में तो मोर ऑर लेस ओपन एंड शट केस है विद व्हाट इज बीइंग अनअर्थ, बट जिस तरीके से ये जो जो ये मॉबो कल्चर चल रहा है, मुझे मतलब जो जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न और क्वेश्चन है कि जो ये फैसला आएगा, हाउ विल दिस बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, क्योंकि हम तो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, चाहे कल को फैसला इधर जाता है उधर जाता है, हम कोर्ट गए हम उसका सम्मान भी करेंगे, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो कि पत्थर लेके सड़कों पे आ जा रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको कैसे समझाया जाए कि यहाँ पे शरिया नहीं, यहाँ पे कोर्ट का कानून चलता है और कोर्ट का फैसला जो सबको मान्य हो। ये एक मेरा थोड़ा सा, हो सकता है मैं ओवर कंसर्न हूँ इसको लेके, तो इस पे थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सके, ओनली कम्फर्टेबल। मैं जी 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 मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं भी सिर्फ मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, जब राम मंदिर का फैसला आया था तब भी तो लोगों ने उसको माना ना, 1% भी हिंसा नहीं हुई। देखिए सरकार बहुत स्ट्रांग होती, और जब भी ज्ञानव्यापी का, मथुरा का, इन सब का फैसला आएगा, मुझे लगता है कि वी आर इन सेफ हैंड सो फार एज दैट एस्पेक्ट इज कंसर्न। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको कोर्ट का फैसला कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये बहुत अच्छे से आता है। तो जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मुझे लगता है दैट वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। कोर्ट का अगर फैसला आएगा देन लॉ हैज टू प्रिवेल, और किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोर्ट के फैसले को सबको मानना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट होना ही पड़ेगा। अब कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आता है, उनके पक्ष में आता है, ये तो फ्यूचर बताएगा, पर मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट का जब फैसला आएगा तो गवर्नमेंट सक्षम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सभी को जय श्री राम। वैसे जी, और ऑलमोस्ट आई वाज ऑन लिसनर, तो मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर तो ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुके हैं व्हिच आई वांटेड टू आस्क। सो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, और बात क्या कहूंगा, मैं तो एक बहुत महान व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं और मैं उनको सुन रहा था, विष्णु शंकर जैन जी, आदरणीय मैं लगाना चाहता हूं इनके नाम के आगे, और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आज की तारीख में, ये कोई मतलब छोटा काम तो है नहीं। इसके लिए मैं अपने जितने भी सनातनी भाई मेरे जितने भी साथ में जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से आपको और आपके पिताजी जो परम पूज्य हरिशंकर जैन जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, और मैं एक अपनी तरफ से एक छोटा सा सनातनी कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जितनी भी जिस तरीके से भी सामर्थ्य है हम, कुछ हमारे भाई हैं जो वाराणसी में हमेशा रहते हैं, इवन जो गर्जोन के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी कई बार हमारी बात होती रहती है, तो कभी भी जरूरत पड़े या कैसा भी कुछ भी हो तो कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ बनाइएगा कि हम लोग आपसे आपके कॉन्टेक्ट में रहें, और कभी भी हम लोगों की कभी भी जरूरत पड़े वाराणसी में तो हम वहां पर पहुंच सकें, क्योंकि दूरी बहुत बहुत ज्यादा दूरी है। जैसे आज हुआ जुमा का था ये,
और इनका प्री प्लान था, एक दिन में इतने सारी संख्या में लोग ऐसे ही इकट्ठे नहीं हुए, इनका बहुत टाइम से चल रहा होगा, 8 दिन 10 दिन से प्री प्लान होकर के इकट्ठे होते हैं। तो मैं सिर्फ आपके जो हमारे वकील साहब हैं बैठे हुए हैं और जितने भी सनातनी हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपने इनका साथ दें, और जिस तरीके से भी हम लोग साथ दे पाएंगे, हम बिल्कुल तन मन और हरियाणा के अंदर धन की कोई कमी नहीं है, तो हर तरीके से बिल्कुल तैयार हैं, और बिल्कुल अगर हमें कंट्रीब्यूट और चंदा भी करना पड़ा, डोनेट करना पड़ा, किसी भी तरीके से हमें घर घर जाकर के अगर करना पड़ा, तो सबसे पहले मैं निकलूंगा और मेरे साथी निकलेंगे उसके लिए। तो आपके बिल्कुल हमेशा आपके पीछे खड़े हैं सनातनी, और मैं बिल्कुल आपको और ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, बाकी मैं लिसनर पे बैठ करके आपकी बात सुन रहा था, और दोबारा से सभी को जिससे कि और कुछ पूछना चाहें मैं लिसनर पर चला जाऊंगा। सभी को जय श्री हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप कपिल जी, आप आशीष तिवारी भी हमारे साथ है, तो इनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, विष्णु भाई के साथ भी आते हैं। आशीष भाई यहाँ पे हैं, आशीष भाई हम लोग के बड़े भाई हैं और बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। पहली बात तो कपिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हौसला दिया, इतना मनोबल बढ़ाया, आप लोग के बीच में आते हम लोग तो मुझे लगता है जो मुहिम मेरे पिताजी ने छेड़ी है और हम लोगों को बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है, और यहाँ पे हम लोगों के जो कोर टीम के सदस्य हैं और हम सबके बड़े भाई हैं आशीष तिवारी जी, वो भी यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा संगठन चला रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और बहुत ही जुझारू कर्मठ और ग्राउंड लेवल पे काम करके हमेशा ही खड़े रहते हैं। जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तब भी वो बनारस, उनकी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी वो बनारस आए, वहाँ पे रुके, देखा उन्होंने, जितनी हेल्प हो सकती थी की। तो ऐसे मुझे लगता है आप सब लोगों के बीच में आता हूँ, जितने सनातनी हैं सब लोग अपने एंड से जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, और यही एक परिवार है, यही एक शक्ति है जो मुझे और मेरे फादर को मोटिवेट करती रहती है हमेशा आगे बढ़ने के लिए। हमने कभी किसी से कोई धन या चंदा एक्सपेक्ट नहीं किया, बस आप लोग बस इतनी मीठी मीठी बातें और आशीर्वचन बोल देते हैं, उसी से बहुत हौसला बढ़ जाता है, बहुत शक्ति मिलती है कि हाँ ऐसे ही बस लगे रहें और काम करते रहें, अभी तो काफी काम होने हैं। और यही बस प्रभु से कामना है कि जितने दिन ईश्वर ने जीवन दिया है मैं और मेरे पिताजी एक अच्छी टीम बना के अच्छे अच्छे काम कर ले जाएं, बाकी तो सब आप लोग का आशीर्वाद है, सब ईश्वर के हाथ में है। और आशीष जी भी यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ थोड़ी बात रखें। विष्णु भैया नमस्कार, सभी सनातन हिंदू भाई बहनों को, बहनों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। मैं विष्णु भैया, मैं सफर में हरदोई क्रॉस कर गया हूँ, संभवतः कल सुबह आपसे मुलाकात होगी उस कार्यक्रम में, तो पूरी टीम के साथ निकल चुका हूँ, हरदोई क्रॉस कर लिया हूँ। और कपिल भैया आपकी बातों से बिल्कुल मैं सहमत हूँ और बड़ा अच्छा लगा आपने ऐसा सोचा। और एक छोटी सी मेरा एक निवेदन है आपसे, एक्चुअल हमारे जो विष्णु भाई है ये बहुत ही ज़्यादा निडर व्यक्ति हैं और सजग भी रहते हैं, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मतलब कि मुझको थोड़ा सा एक डर व्याप्त रहता है कि जिस निडरता के तहत ये दिल्ली से डायरेक्ट बनारस जाके बिना कोई सुरक्षा लिए हुए ये होटल जाके कोर्ट तक जाते हैं। भैया जब भी भाई हमारे बनारस पहुँचे तो 4-5-6 लोग सनातन भाई हमारे उनके साथ जरूर रहे हैं, अपने एक दो गाड़ियों के साथ भाई के साथ जरूर है, जिससे इनकी सुरक्षा जो है ये वैसे थोड़ा ध्यान रखते हैं, पर हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे ऐसे कोहिनूर हीरे हैं आज के समय पे कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत करते हुए चाहे तो ये लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और लोग वही कर भी रहे हैं आज के डेट में, बट हमारे गुरु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए संस्कृति को बचाने के लिए जिस तरह लड़ने वो आप सबके सामने हैं और प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है, आप सब लोग उसको देख रहे हैं और परिणाम अब निकल के सामने भी आ रहे हैं कि देखा देखी कई लोग अब छोटे छोटे मंदिरों के लिए भी लड़ाई लड़ने लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहल गुरु जी की और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे भाई कर रहे हैं,
तो कपिल जी सिर्फ मेरा आपसे इतना निवेदन है, हेलो, जब भी भाई कभी अगर बनारस आए वो जाते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जरूर की जाए, मैं ये इतना चाहता था। हाँ, विष्णु शंकर जैन जी, बहुत बहुत आभारी है आपके और आपके पिताजी के। मैं भारत से बाहर हूँ तो ग्राउंड लेवल पे उतना कुछ नहीं कर पाते, पर लोगों से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कर रहे हैं हमारे धर्म के फिर से स्थापना के लिए इतने एफर्ट्स चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मेरे कुछ सवाल थे, जैसे ये जो वक्फ बोर्ड का आप बता रहे थे, तो मैंने एक हिस्टोरियन सदानंद मोरे करके हैं, तो उनकी बातचीत सुनी थी, तो उन्होंने बोला था पाकिस्तान क्रिएट करते समय उनको दुगनी लैंड दी गई थी, तो मन में ऐसा सवाल आता है फिर इंडिया में जो मुस्लिम रहते हैं उनका कितना हक बनता है, अगर उनको ऑलरेडी जमीन दे चुके हैं हम, तो बार बार कितनी वो मांग सकते हैं, और ये जो वक्फ का इतना बड़ा ये है उनको ड्रेकोनियन लॉ जैसे आप बता रहे थे, वो बहुत ही गलत लगता है कि उनको इतनी पावर दी गई, वो कैसी दी गई, ऐसा भी इसका भी बहुत बुरा लगता है, तो आप उस पर कुछ क्लैरिटी ला सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक से आप ऑलरेडी जमीन तो उनको दे ही चुके हो और फिर से उनको ऑप्शन दे रहे हो कि हाँ और जमीन मांग लो। उस एंगल से तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कॉम्प्रोमाइज या कुछ भी नहीं होगा मंदिर की जमीनों पर, तो वो एक सवाल था। और दूसरा ये भी था कि जैसे अभी ये ज्ञान व्यापी का हुआ, तो सुदर्शन न्यूज के सुरेश चवानके ने एक मुद्दा ये किया था, नेवासे का जो नारद मुनि मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि वहां पे जो अवशेष हो उनको मिटाने की भी कोशिश हो रही है, तो वो एफर्ट्स कैसे बंद करें, क्या कर सकते हैं? देखिए, जो आपने वक्त की बात कही उसको मैंने यहाँ क्लैरिफाई भी किया कि उस पर काफी काम हो चुका है, उस पर काफी रिसर्च हुई और उस पर काम चल रहा है, और जब के रूप में हम जितना काम कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से हम वो कर रहे हैं, अपने दायित्व को निभा रहे हैं। अब अगर आज हम मतलब जो लोग पावर में है उनके लिए तो बहुत इजी काम है उसको इमीडिएटली रिपील करना, खत्म करना, पर उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, कुछ मंशा हो सकती है, मैं उसमें ज्यादा नहीं, मुझे उसके बारे में ज्ञान है, पर जहां तक एक लॉयर के रूप में हमारा अपना एक रोल है वो हम निभा रहे हैं। वफ एड को हमने चैलेंज किया, उसकी रिसर्च लोगों के सामने लेके आए, उसके पीछे का नैरेटिव लोगों के सामने लेके आए, उसमें क्या कमियां हैं वो लेके आए, वो कैसे हिंदू समाज के लिए हानिकारक है वो लेके आए। अब तो एक कोर्ट को निर्धारित करना है कि वो सही है कि गलत है, पर हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ये वक्फ एक्ट 1995 पारित किया गया, 2013 में उसमें और अमेंडमेंट्स किए गए, और इस समय की डिमांड है कि वक्फ एक्ट को जल्दी से जल्दी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए। जहां तक आपने एक और कोई बात रखी थी मैं भूल गया, एक बार दोबारा आप उस प्रश्न को रिपीट करेंगे जो आपने एक और सवाल। अच्छा, ये मैं भी ये रिमेम्बर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पाकिस्तान को अगर लैंड दिया गया था उसके बारे में था मेरा सवाल। जी, उसको तो मैंने डील कर लिया वफ एक्ट में कि वफ एक्ट। अच्छा, और आपने शायद कुछ ओके बात की थी, पता नहीं, एनीवेज ओके ओके अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन और दो पहलू जो थे कि हाँ बाकी मंदिरों के अवशेष मिटाने की अगर कोशिश हो तो उसको तो वो इशू अभी मेरे नॉलेज में है नहीं, अगर मेरे नॉलेज में आएगा तो हम उसको जितना बचाने के लिए कर सकते हैं करेंगे। अभी एक्चुअली हमारा जितना कंसंट्रेशन है काशी, मथुरा, टीले वाली मस्जिद, भोजशाला, कुतुब मीनार, ताजमहल, इन 6 केसेस पे लगा हुआ है, जिसको एक ये सारे बहुत अपहिल टास्क है, तो एक कोई ऐसा काम हाथ में लें और अल्टीमेटली उसको ना कर पाए तो हम देखते हैं। एक बार मैं सुरेश जी से टच में आऊंगा और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं सुदर्शन के टच में हूँ ही, अगर कुछ ऐसा होगा तो जो भी अपनी तरफ से लीगल हेल्प हो सकते हैं बिल्कुल दें। बहुत देर से जुड़े हुए हैं और काफी अभी हैंड्स रेज्ड हैं, सो या रिक्वेस्ट और या प्लीज कीप इट ब्रीफ। एंड जी पीयूष जी, मैं आपके पास जाऊंगा। जी
जी विष्णु जी आपको सादर प्रणाम। मेरा आपसे मुझे सिर्फ दो सवाल था, मेरा मुझे दो चीज जानना था कि जैसे कि जो हमारे जो शंकर भगवान के जो शिवलिंग मिले हैं तो वो क्या बहुत ही ज्यादा प्राचीन शिवलिंग है, और दूसरा चीज ये कि नंदी महाराज का मुख क्या सीधा उसी तरफ देख रही है, यही दो थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था। आप ये सब अच्छे से जानते होंगे सब चीज। जी बिल्कुल नंदी जी बिल्कुल नंदी जी से ठीक 83 फीट की दूरी पे ये शिवलिंग है जो हमें मिला है, और ये इस समय वजू खाने के एरिया में था जिसको हमने सील करा दिया है। और दूसरी बात ये शिवलिंग ये कितना पुराना है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर जो इतिहास में वर्णन मिलता है ऐसा लगता है कि राजा टोडरमल ने जब इस एरिया का जीर्णोद्धार किया था 1585 में, ये तब का शायद बनाया हुआ शिवलिंग है। पर जब इसकी एसआई जांच की जाएगी और एसआई इसकी जब जांच करेगा तब हमें लगता है कि क्लियर एक इंडिकेशन हमें मिलेगा कार्बन डेटिंग के माध्यम से कि ये कितना पुराना शिवलिंग। अभी तो एक सिर्फ लोकल कमीशन हुआ है जिससे वहां की वस्तु स्थिति हमने कोर्ट के सामने कोर्ट के पटल पे रखी है। अभी ये कह देना मेरे तरफ से एक गैर जिम्मेदाराना बयान होगा कि ये शिवलिंग इतना पुराना है, ये तो इसकी ऐसा ही जब जांच होगी तब उसकी क्लियर बात पता चल सकती है कि शिवलिंग कितना पुराना जी। विष्णु शंकर जैन जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सनातन के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और हम सबकी तरफ से एक आवाज़ बने हैं। सर मेरा छोटा सा दो सवाल है बस कि सर 1991 एक्ट में एक चीज़ डिफाइंड है कि जो रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर है वो मेंटेन रहेगा, तो सर जो अभी तक कमेटी के उसमें फाइंडिंग्स में आया है उससे तो रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है कि वो एक हिंदू टेम्पल था, तो सर क्या कोर्ट इस बेसिस पर अपना डिसीजन दे सकती है कि ये जो टेंपल है उसका रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है। और सर एक चीज़ और क्वेश्चन था कि जो ईदगाह मस्जिद है मथुरा की उसमें जो हमारे टेंपल के अवशेष हैं उसको मिटाने की कोई कोशिश ना हो, इसके लिए सर कोर्ट में कोई पिटीशन आपने कुछ डाला है या नहीं? थैंक यू सर। देखिए पहली बात तो जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि धार्मिक स्वरूप जो इस संपत्ति का है वो अभी जो लोकल कमीशन की रिपोर्ट आई है उससे काफी हद तक वो निर्धारित होता है कि इस एरिया का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। पर अभी मुस्लिम्स की साइड से जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अभी इस केस की एविडेंस पे बात ना की जाए, और मैं ये बात यहाँ पे बहुत मजबूती से रखना चाहता हूँ आप सबके सामने कि मुस्लिम समाज ये चाहता है कि 7/11 की स्टेज पे ही बहस करता रहे। 7/11 की स्टेज क्या है? 7/11 की स्टेज ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सूट हमने फाइल किया है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है और ये केस आगे नहीं चल सकता है। उस पर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला देगी डिस्ट्रिक्ट जज साहब उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट जाएंगे फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पूरी बात का मूल ये है कि जो धार्मिक स्वरूप तय करने की कार्रवाई है उसके लिए केस में एविडेंस होनी पड़ेगी, इश्यूज फ्रेम होंगे, तो वो उस स्टेज पे जा ही नहीं रहे हैं, वो उससे और पहले की स्टेज पे हैं और वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्वरूप अभी तय ना किया जाए, पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है इसको तय किया जाए, केस की मेंटेनेबिलिटी तय की जाए। तो इसीलिए उनकी पूरी स्ट्रेटेजी है कि जितना इसको लटकाया अटकाया भटकाया जा सकता है, जितना डिले किया जा सकता है वो किया जाए, और उसके लिए वो अपने जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में उनको जितनी रेमेडीज उपलब्ध की गई हैं वो कर रहे हैं। जहां तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि कृष्ण जन्मभूमि में एविडेंस मिटाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कृष्ण जन्मभूमि में कभी कोई एविडेंस मिटा ही नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण देखिए हर केस अलग अलग अपने फैक्ट्स पे चलता है। आज जो काशी के केस में लोकल इंस्पेक्शन हुआ तो उससे पूरे देश में हर जगह एक होड़ लग गई कि सर्वे कराया जाए सर्वे कराया जाए सर्वे कराया जाए, ऐसा नहीं होता है, हर केस अपने फैक्ट्स पे चलता है। कृष्ण जन्मभूमि का केस हमारा ऑन टाइटल इम्पोर्टेंट है और ऑन टाइटल हमने वहां पे ये फैक्ट्स रखे हैं कि जो 13.37 एकड़ ऑफ जमीन है वो उसका स्वामित्व हिंदुओं के पास है, और उसके नीचे जब ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार किया जाएगा तो जो कंस का कारागार था जहां पे भगवान ने जन्म लिया था आज भी वो जगह हमें मिलेगी। तो जो मस्जिद है उसका जो रेड सैंडस्टोन से जो मस्जिद बनाई गई है वो हिंदू मंदिर के उसके सारे उसमें अवशेष हैं। कुछ लोगों ने मथुरा की सिविल अदालत में याचिका भी लगाई है कि वहां पे सर्वे किया जाए, वहां पे चिन्ह ना मिटाया जाए, वहां पे नमाज ना करी जाए, और भी जो लोगों ने सूट फाइल किए। हाँ ये बात सही है, मैंने उसमें अभी नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कृष्ण जन्मभूमि का केस है वो ऑन टाइटल ऑन पेपर्स हम उसको जीत सकते हैं, जिसपे अभी हमें डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से सक्सेस भी मिली है। इनिशियली मुस्लिम पक्ष का ये ऑब्जेक्शन था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जगह बार्ड है, केस नहीं चल सकता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने सेट असाइड किया है,
ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस छाया शर्मा का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड करके ये होल्ड किया कि नहीं ये केस चल सकता है, और जब केस आगे चलेगा तो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ही हम वो केस जीत सकते हैं। तो क्योंकि सिविल केस है, अगर हम जितनी एप्लीकेशंस मूव करेंगे उतना डिले होगा, तो कृष्ण जन्मभूमि में मुझे लगता नहीं है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन है वहां पे उस तथाकथित मस्जिद के अंदर ऐसी कोई एविडेंस है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और उसके नीचे जरूर कंस का कारागार है जिसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार की जरूरत पड़ेगी। जी थैंक यू सो मच सर। विष्णु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, और सभी लोग चूंकि इतनी तारीफ कर चुके हैं और इतनी सारी चीजें बोल चुके हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस बात पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस प्रोसेस में केस हमारा डिले होता है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो एविडेंस में गड़बड़ी करें? दूसरा, शिवलिंग के ऊपर जो सीमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कितना पुराना लगता है? जैसे अभी इस पे कुछ डाउट है मुझे कि कितना पुराना है, क्या हाल ही के समय में ये टेम्परिंग करी गई? नहीं, मैंने ये जो क्वेश्चन तो उसके बाद विष्णु जी से एक साथ तो मे बी या अगर आपका आंसर करना चाहिए। जरूर, थैंक यू अमित जी। विष्णु जी, मैं टोरंटो कनाडा से बोल रहा हूँ। विष्णु जी, सबसे पहले आपके और आपके फादर जो आप काम कर रहे हैं मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब एज ए कंट्री, एज ए रिलीजन, एज ए धर्म, जो भी कहें, मतलब मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि आई डोंट नो हाउ एज ए NRI कम्युनिटी वी कैन हेल्प यू। हम कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो खरीदा नहीं जा सकता, ना कोई खड़ा हो सकता। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा आपका जिगर चाहिए, जो आप और आपके पिताजी दिखा रहे हैं। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है, एज ए NRI कम्युनिटी हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? थैंक यू सर। एक्चुअली ये अवसर मुझे पहले भी मिला, आपका बहुत बहुत बड़प्पन है, आपको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। आप हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपने वहां से बैठ के सनातन धर्म के लिए इतनी जिज्ञासा दिखाई, इतनी तड़प दिखाई। मुझे लगता है ये तड़प, ये जिज्ञासा ही हम लोग को शक्ति देती है कि हम आगे काम करते रहें। और मैंने पहले भी अभी ये बात रखी और NRI समाज से काफी लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ, और मैं इसीलिए बात रखना चाहता हूँ कि हम ये जो मोमेंटम है इसको किसी भी तरह से फंड रेजिंग एक्सरसाइज में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। ना विष्णु शंकर जैन ने, ना हरिशंकर जैन ने किसी से कभी कोई फंड रेज करने की बात कही है, ना कभी कहेंगे। जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, उस पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे लगता है उस पे हम ये लड़ाई जीतेंगे भी। एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब उन्होंने मार्स मिशन की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया मार्स पे पहुंचा और शायद 5 रुपए 7 रुपए, मैं एग्जैक्ट फिगर भूल रहा हूँ, या 3 रुपए, उससे कम में पर किलोमीटर पे हम वहां पहुंचे। तो ये जो रीडिफाइनिंग लिटिगेशन है इसका हम ये काम कर रहे हैं। हमारा ये पर्पज नहीं है कि हम कोई केस करें, उसके बाद लोगों से फंड रेस करें, चंदा रेस करें, और उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो, उसके बाद उस चंदे में ही डूबे रहें। जो रेवोल्यूशन है वो हमेशा कमी में और क्या कहते हैं उसमें ही फलता फूलता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो एक लिटिगेशन कॉस्ट है, US की तरह इंडिया में नहीं है कि लिटिगेशन कॉस्ट इतना ज्यादा होता है, जो हमारे ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीजें हैं, ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो मैं NRI कम्युनिटी से हमेशा यही बात कहता हूँ, मैंने पहले भी कही, कि आप हमारी आवाज को, आप हमारी बात को अगर अपने कम्युनिटी में और फैलाएंगे, उसको रेस करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब भी इंडिया में लोग NRI कम्युनिटी से बात करते हैं तो उनका एक ही ध्येय रहता है कि कैसे फंड रेस किए जाए। ये आपका बड़प्पन है कि आपने सामने से आके ये बात रखी, पर मुझे लगता है कि फंड्स की कोई जरूरत नहीं है। ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक क्रांति है जो मैं अपने आराध्य के लिए कर रहा हूँ, एक शिव भक्त होने के नाते। जो आप आज उस तड़प को वहां पे बैठ के फील कर रहे हैं, मुझे लगता है यही मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप टोरंटो में बैठ के उस क्रांति को, उस रेवोल्यूशन को फील कर पा रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। तो इसमें आप इस चीज को जितना आगे बढ़ाएं, इसको जितना आगे ले जा सकें, अपने लोगों में जितनी हमारी मैसेज है, जो हमने रिसर्च वर्क किया है, वो फैला सकें कि काशी विश्वनाथ के लिए, मथुरा के लिए, जिसमें भी जिसको इंटरेस्ट हो
वो उसको उसका अध्ययन कर सके, उसको और लोगों में फैला सके, यही बहुत बड़ी सक्सेस है एनआरआई कम्युनिटी को। और मैं इसीलिए इस रेवोल्यूशन को रीडिफाइन करना चाहता हूँ। मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, दो सरफिरे ऐसे भी इस देश में निकले हैं जो बिना किसी से चंदा लिए हुए, बिना किसी से एक पैसा लिए हुए अपना काम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं। और डेफिनेटली जब वहां पे भगवान शिव का भव्य मंदिर बनेगा और वहां पे उसका जीर्णोद्धार होगा, तब कंट्रीब्यूशन जो वहां काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसमें जरूर आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करिएगा। मैं भी उसके लिए अपील करूंगा और बिल्कुल हम लोग साथ में उस पल को जिएंगे। पर इन द मीन टाइम इतनी ही कोशिश करिए कि इस रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को, इस आवाज को कितनी दूर तक ले जा सके, उसकी हमें कामना करनी चाहिए। थैंक यू विष्णु जी, रियली अप्रिशिएट। सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, जो कि राम मंदिर के लिए जब शुरू किया था मैंने यहाँ से वो अपना योगदान दिया, और जो मुझे पर्ची मिली है वो मैंने अपने ग्लास में फ्रेम करा के अपने ऑफिस में रखी है। कभी होगा मैं भेजूंगा, वो मेरे लिए एक सौभाग्य है। नहीं, आप वही मैं कह रहा हूँ कि आप काशी के लिए भी ऐसी पर्ची बनेगी आपकी जिसको आप फ्रेम करेंगे, बस थोड़े पल का इंतजार करिए। हम जब केस जीतेंगे तो डेफिनेटली काशी के लिए भी पर्ची बननी है आपकी। विष्णु जी, आपको क्या लगता है कितना हमें इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, ये लिटिगेशन, मतलब कितना टाइम लगेगा सब चीजों में? देखिए, लिटिगेशन को तो कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कितना टाइम लगेगा, पर मुझे लगता है कि अगर जन चेतना आएगी तो डेफिनेटली हम इस चीज को जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा सर जुड़े हुए हैं, राम मंदिर के केस को उन्होंने बहुत क्लोजली कवर किया है। और आज मैं ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये इंसिडेंट हुआ था जब राम मंदिर का केस हो रहा था, उस समय के जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ इम्पोर्टेंट केस फॉर अस, पर जब लोगों में जन भावना जागी, लोगों ने अपने अधिकार को जाना, तो एक बात हुई कि नहीं, इसको जल्दी डिसाइड किया जाए और इसको डे टू डे हियरिंग करके डिसाइड किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट की, मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डे टू डे हियरिंग का ऑर्डर हुआ और सैटरडे को भी कोर्ट बैठी और ज्यादा से ज्यादा समय देके उस केस को निर्धारित किया गया, समय सीमा के पहले निर्धारित किया गया। तो ये इसीलिए आज मैं इस ट्विटर स्पेस पे हूँ कि जो जन संवाद है, जन चेतना है, लोगों के बीच में जो मैसेज है वो जाए, कि लोग इसकी डिमांड करें कि काशी विश्वनाथ का केस भी जल्दी से जल्दी एक टाइम फ्रेम के अंदर डिसाइड किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर के केस को जो 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया था उसको 1989 में ट्रांसफर किया और उसके बाद 2010 में डिसाइड किया। तो आज तो बहुत मॉडर्न युग है, आज तो हमारे पास एनजीटी बना हुआ है, इलेक्शन अपील्स हैं जो 6 महीने में डिसाइड हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई मैंडेट पार्लियामेंट देती है और ये सरकार देती है तो जुडिशरी बाउंड है उस मैंडेट को कैरी आउट करने के लिए और वो जल्दी से जल्दी उसे डिसाइड किया जाता है। तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे कि इसके लिए आपको जल्द से जल्द कुछ फैसला किया जाए? मैंने आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? मैंने सरकार से अपील की ऑलरेडी, बहुत सारे चैनल के माध्यम से मैंने सरकार से अपील की है इस चीज को जल्दी से जल्दी। अमित जी अपना माइक थोड़ा सा। मैंने सरकार से इस चीज के लिए अपील की है बहुत सारे चैनलों के माध्यम से कि जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, आप देखिए इस देश की विडंबना देखिए कानून के, मैं बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जैसे नदी जो है उसमें पॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है। आज एक कंज्यूमर फोरम है जिसका राइट है, उसको लगता है कि मेरा 1 करोड़ या 2 करोड़ का नुकसान हो गया, उसके लिए स्पेशल कंज्यूमर फोरम बना हुआ है, नेशनल कंज्यूमर फोरम, और उसकी डायरेक्ट फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट आती है। वैसे ही अगर आज मेरे आराध्य की भूमि है जिसपे किसी ने कब्जा किया हुआ है तो मुझे उसके लिए एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसीलिए मैं जितने चैनलों पे गया हूँ, जितनी मैंने डिबेट्स की हैं, मैंने ज्यादातर कोशिश की है जब भी मुझे मुद्दा मिला है या बात रखने का मौका मिला है, मैंने बात रखी है कि इन तरह के, इस तरह के क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स के लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनना चाहिए जिसका 6 महीने के अंदर फैसला आना चाहिए और जिसकी फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट लाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार मेरी इस बात को कभी ना कभी मानेगी और ये सारे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे स्पेशल ट्राइब्यूनल्स में भेजे जाएंगे।